सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खाडल। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, मैसेज आ रहा था, फोन आ रहा था, सर दिसंबर 21 का अमेंडमेंट कब डालोगे? तो ये रहा दोस्तों दिसंबर 21 का अमेंडमेंट, ये पूरा पीडीएफ बना हुआ है। तो जितने भी हमारे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम दिसंबर 21 में होने जा रहा है, उन लोगों के लिए दोस्तों ये पूरा पीडीएफ यहां पर मैंने दिया है। और इस पीडीएफ से दोस्तों हम पूरे अमेंडमेंट्स को कवर करके चलेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट को समझने में आपकी बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट रिटर्न वाले चैप्टर में आए। रिटर्न वाले चैप्टर में एक स्कीम आ गई है QRMP, तो वहां पर थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ठीक ठाक अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। सर, ये पीडीएफ हमें कहां से मिलेगा? दोस्तों, ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सीए डॉक्टर अमित खांडल, वहां मैं अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों का जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगा। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है दोस्तों, ये मेरे स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जिन्होंने मेरा क्लास लिया है, और मैं ऐप के ऊपर भी इसको अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर तो है ही। अच्छा, जो लोग क्लास लेना चाहते हैं भाई, अभी हमारा 999 का ऑफर है जो कि दिसंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए पूरा हैंड राइटिंग नोट के साथ, तो आप ले सकते हो। बाकी ये वीडियो सभी के लिए, सब लोग देखो, एंजॉय करो, मजे करो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जीएसटी के अमेंडमेंट्स यहां पर कवर कराऊंगा। जीएसटी अमेंडमेंट्स के बाद में हम लोग कस्टम वाले अमेंडमेंट्स को यहां पर स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो भाई, जो जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ है उसमें सबसे पहला है इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर। दोस्तों, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, और दो अमेंडमेंट हुए हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोनों में कौन कौन से अमेंडमेंट्स यहां पर हुए हैं। अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई हम लोग पढ़ा करते थे, आपको थोड़ा सा पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग तभी इसको कोरिलेट कर पाओगे। दोस्तों, जैसे मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है, मिस्टर ए है सप्लायर और मिस्टर बी कौन है भाई? रेसिपिएंट है। तो आप लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि गवर्नमेंट ने यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया था। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया था? कि बी के पास ए से है ना, A1, A2 बहुत सारे सप्लायर जो है वो बी को माल सप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए या जो भी सप्लायर है वो उसको कहां शो करते हैं? GSTR 1 में शो करते हैं। अच्छा, जब वो अपने GSTR 1 में शो करते हैं तो वो यहां पर GSTR 2A या 2B उसके अंदर वो व्यू हो जाता है मिस्टर बी को, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मान लो GSTR 1 के अंदर सप्लायर है बहुत सारे, ए हो गया है ना, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। इसमें से क्या हुआ भाई, A1 और A2 ने तो GSTR 1 में शो कर दिया, मतलब उसको रिटर्न फाइल कर दिया जो आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है, तो उतना क्रेडिट तो बी को 100% मिलेगा। सपोज करो भाई यहां पर 1,00,000 है, यहां पर 50,000 है, यहां पर 25,000 का GST है, तो ये हो जाता है हमारा 175, ये तो हमें पूरा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो A3 था ना, इसका GST था 10,000, इसका GST 10,000 था, लेकिन इसने GSTR 1 में शो नहीं किया, तो क्या B इसका क्रेडिट ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है। तो पहले ये था कि भाई जितना बुक हो गया है, जितना एलिजिबल क्रेडिट है, जितना शो हो गया है, उसके 10% तक आप ले सकते थे। ये जो 175 अपलोड हो गया है, जो 2A या 2B में व्यू हो रहा है, इसका 10% तक आप ले सकते थे। सरकार ने वो 10% का रेट रिड्यूस करके 5% कर दिया है। तो जो भी क्वेश्चन आपने किया है जहां 10% था, वहां आपको 5% कर लेना है भाई, ठीक है। तो एक या दो क्वेश्चन होएंगे, इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो अगर मैं 175 का 5% निकालता हूं तो ये कितना आता है बताओ? 5% कितना आएगा एक बार मैं कैलकुलेटर से बता देता हूं आपको। 1,75,000 का 5% आता है 8,750।
तो क्या आप 10,000 का ITC बुक कर सकते हो जो कि GSTR 1 में नहीं चढ़ाया गया बाय द सप्लायर? नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 8,750 का क्रेडिट ले सकता हूँ। तो 10 की जगह मुझे कितना मिलेगा? 8,750। तो टोटल क्रेडिट कितना मिलेगा? 175 तो 100% मिलेगा, और 1,75,000 का 5% होता है 8,750। तो ये मैं और ऐड कर देता हूँ 1,75,000 में, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1,83,750। तो इसका टोटल आ जाएगा 1,83,750। तो ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ले पाऊंगा। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वो जो आपने 10% पढ़ा था ना, उसकी जगह गवर्नमेंट ने इसको 5% तक रिड्यूस कर दिया है। इसके अलावा कोई कहानी मत पढ़ना, ये सारी कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बस जो एलिजिबल क्रेडिट का आप 10% ले सकते थे, उस लिमिट को रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है, ठीक है भाई। और ये रिडक्शन कब से हुआ है? 1/1/2021 से, 1 जनवरी 2021 से हुआ है, राइट। तो इसका क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बाकी वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि जहां आप 10% पढ़ते थे, उस 10% की जगह एलिजिबल क्रेडिट का अब आप 5% ही अवेल कर सकते हो उन इनवॉइसेस के लिए जो कि सप्लायर ने GSTR 1 में सबमिट नहीं किए हैं, राइट। बहुत बढ़िया। तो ये पहला अमेंडमेंट है। और एक दूसरा अमेंडमेंट जिसकी बहुत ज्यादा दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर थूथू हो रही है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट बहुत भूखी है यहाँ पर। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देखो क्या कर रही है। देखो मुझे भी ये जमा नहीं भाई। सेकंड नंबर का जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है मैं बताता हूँ। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दोस्तों 1 जनवरी 2021 से एक नया रूल 86B यहाँ पर इंसर्ट किया गया है इन द CGST रूल्स। ये नया रूल आया है भाई। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन ये अमेंडमेंट्स दोस्तों सारे मैं आपके कवर करा दूंगा। बस आप इनको पूरा पढ़ लो, और PDF मैं पिन कर दूंगा मैसेज, और ऐप के अंदर भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इनको अवेल कर सकते हो। दोस्तों गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी किसी मंथ की, देखो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप किसी मंथ का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप किसी मंथ का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, ध्यान रखना, अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, तो लॉ ये कहता है दोस्तों कि अगर किसी भी महीने में, किसी भी मंथ में आपका जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो अगर 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है दोस्तों, लेकिन उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड मत करना, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड मत करना, किसी भी मंथ का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट एक रेस्ट्रिक्शन आप लोगों पर लगाएगी। क्या लगाएगी? रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस जो पड़ा है उसे यूज तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है? उस मंथ की जो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, उस मंथ की जो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है उसके 99% तक यूज कर सकता है। भले ही क्रेडिट कितना भी पड़ा हो, आप पूरा क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना उस महीने का आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनता है उसके 99% तक आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 1% सरकार आपको कैश में देने के लिए कह रही है, कैश लेजर से पे करने के लिए कह रही है, मतलब सरकार आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो ये एक तरह से अन्याय है, अनजस्टिस है, लेकिन भाई सरकार है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये नियम सब पर नहीं लगेगा भाई, ये रूल उन लोगों पर अप्लाई होगा जिनका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिनका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर मंथ का 50 लाख से ज्यादा है, अदर देन एग्जेम्प्ट अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ही ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नॉट। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, और दोस्तों इस एग्जांपल को करने के बाद आप बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ रमन एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ फेब
इज 100 लाख। दोस्तों रमन एंड सन्स का जो इंटर स्टेट सप्लाई है फरवरी वाले महीने का, क्योंकि अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है, तो 100 लाख है, तो इसका मतलब 50 लाख से ज्यादा है। देखो जहां भी क्वेश्चन में 50 लाख से कम है, अच्छा मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया ना क्वेश्चन बैंक में, वहां कहीं पर भी ये नहीं लगता, क्योंकि किसी महीने का है ही नहीं 50 लाख से ज्यादा। इसलिए आपको ज्यादा चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ वो वाला जो है 10 से 5% वाला, उसका कोई एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बैंक में, वरना नहीं है। सेड सप्लाई टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% IGST। अब रमन जो है अपना आउटपुट टैक्स पे करेगा, 100 लाख का 18% IGST होता है 18 लाख। अच्छा रमन की क्रेडिट लेजर में 20 लाख पड़ा है, वो भी IGST पड़ा है, तो बताओ जब उसकी क्रेडिट लेजर में 20 लाख रुपया पड़ा है तो उसको 18 लाख पूरा यूज करने देना चाहिए ना। लेकिन सरकार कहती है नो, नहीं जी नहीं, यहां पर रमन एंड सन्स ये जो आउटवर्ड लाइबिलिटी है 18 लाख, इसका 99%, कहीं 20 लाख का 99% मत कर देना भाई, जो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है उसका 99%। अच्छा उसका 99% कितना आता है, 17,82,000। तो भले ही मेरी क्रेडिट लेजर में 20 लाख पड़े हो, लेकिन मैं क्रेडिट लेजर में से 17,82,000 ही यूज कर सकता हूं, मुझे 18,000 रुपया कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। तो ये सरासर ना इंसाफी है, जब मेरी क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो मैं भाई कैश लेजर से क्यों पे करूं। लेकिन कहते हैं ना लॉ से बड़ा कोई नहीं होता, तो सरकार ने कानून बना दिया, नोटिफिकेशन ला दी, तो भाई आपको 18,000 कैश लेजर से देना पड़ेगा। एक तरह से सरकार लिक्विडिटी बढ़ा रही है, ठीक है, आपका पैसा रोक रही है, ब्लॉक कर रही है, ठीक है भाई। तो ये वाली बात है, तो आपको 20 लाख का क्रेडिट लेजर में बैलेंस है 20 लाख का, बट यू कैन यूटिलाइज अप टू 17,82,000। जो बाकी का अमाउंट है वो पड़ा रहेगा, नेक्स्ट मंथ में काम आ जाएगा, और इस महीने 18 लाख में से आप 17,82 तो क्रेडिट लेजर से ले लो, 18,000 रुपया कैश लेजर से पे करो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये नियम सब पर नहीं लगता है, उन्हीं लोगों पर लगेगा जिनका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर मंथ का 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग एक्सेप्शंस पर आते हैं। ये जो रूल अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या है ये रूल, रूल नंबर 86B। इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, क्या कि द रेस्ट्रिक्शन, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना 99% वाला, ये कब अप्लाई नहीं होता है, इन द फॉलोइंग केसेस कब अप्लाई नहीं होता है। पहला, वेयर द सेड पर्सन प्रोपराइटर कर्ता मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स होल टाइम डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी हैव पेड मोर देन 1 लाख एज इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। अब देखो ये नीचे 3 नंबर का फुटनोट क्या है, 3 नंबर कहता है फॉर विच टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, लॉ ये कहता है सपोज करो ये आपका 2021-22 का मैटर है, दिस इज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 नहीं है, सॉरी इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, इफ इट इज अ मैटर ऑफ, दिस इज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, ये जो मैटर है दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का मैटर है, राइट। तो लॉ कहता है कि अगर मान लो इससे पहले वाले दो साल कौन से होंगे, एक तो 18-19 होएगा और एक 19-20 होएगा, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट जा चुकी हो, तो जा चुकी, 18-19 का ड्यू डेट जा चुका, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ड्यू डेट जा चुका, तो जो पिछले 2 साल हैं भाई, इन 2 साल जिसका इनकम टैक्स का ड्यू डेट जा चुका है रिटर्न का, इन 2 सालों में कोई भी पर्सन प्रोपराइटर या अगर सपोज इफ इट इज अ मैटर ऑफ HUF तो कर्ता, या कंपनी है तो डायरेक्टर, या फर्म है तो कम से कम 2 पार्टनर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, अगर ये लोग इनकम टैक्स पे कर चुके हैं, फर्म या कंपनी ने पे नहीं किया हो, उसके
डायरेक्टर्स या पार्टनर्स ने इनकम टैक्स पे कर दिया हो 1 लाख रुपीज का, 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया हो इन ईच ऑफ द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर, ईच का मतलब 18-19 में भी और 19-20 में भी, 18-19 में भी 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर दिया हो और 19-20 में भी दोस्तों 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर दिया हो, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो भी फर्म कंपनी जीएसटी पे कर रही है उस पर ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सरकार को ये लग रहा है कि भाई ऑलरेडी ये लोग जो है सरकार को कैश में पैसा दे चुके हैं, इनकम टैक्स दे चुके हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, कब अप्लाई नहीं होगा, बी पॉइंट पर आ जाओ, पहला समझ में आ गया। दूसरा, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव अ रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड समझते हो ना, एक्सपोर्ट को बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, हम किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट को बोलते हैं, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड जो सप्लाई होती है, जो एक्सपोर्ट वाली सप्लाई होती है, वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होती है, वहां पर आपको पता है रिफंड मिलता है, आईटीसी का रिफंड मिलता है। या इन्वर्टेड जो ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर याद है आपको, इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स का रेट ज्यादा है और आउटवर्ड पर बहुत कम है, तो हम पूरा क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो जो बैलेंस क्रेडिट रह जाएगा उसका भी हमको रिफंड मिलता है। तो रिफंड जो मिलता है वो दो परिस्थितियों में मिलता है, एक्सपोर्ट के केस में मिलता है और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें मिलता है। तो लॉ ये कहता है कि सपोज करो भाई, जैसे ये एक फर्म थी रमन एंड सन्स, ठीक है, फर्म हो, कंपनी हो, प्रोपराइटरशिप हो, यो भी वही हो, तो इफ इट इज अ मैटर ऑफ 2021, तो इससे जो पहला वाला साल है, इससे पहला वाला साल कौन सा है, 19-20, तो पहला वाला जो साल है ना 19-20, उसमें अगर रमन एंड सन्स को, रमन एंड सन्स को जीएसटी में रिफंड मिला है, रिफंड, क्योंकि जो रमन एंड सन्स है वो एक्सपोर्टर है, तो उसको आईटीसी का रिफंड मिला होगा, और वो रिफंड अगर 1 लाख से ज्यादा है, बराबर नहीं होना चाहिए ध्यान रखना, 1 लाख से अगर ज्यादा मिला है रिफंड, तो इस केस में 2020-21 में ये जो रेस्ट्रिक्शन है 99% वाला, इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक समझो, जिसका जीएसटी रिफंड 1 लाख से ज्यादा बन रहा है, जो क्रेडिट को यूज ही नहीं कर पा रहा, कैसे करे वो यूज, तो उसका क्रेडिट रोकने का कोई लॉजिक नहीं है 2020-21। वो क्रेडिट अगर यूज करना चाहता है तो उसको पूरा 100% यूज करने दो, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 100% यूज करने दो, उस पर ये रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। अरे भाई, जो एक्सपोर्टर होगा, जिसको रिफंड चाहिए, जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, जिसको रिफंड चाहिए, तो ऑलरेडी उसका तो पिछले साल भी रिफंड बना था 1 लाख से ज्यादा, तो उस पर करंट ईयर में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। ये बातें दोस्तों आप ऑटोमेटिकली समझो, ये आपको अपने आप याद होगी। Is it clear or not? Yes, sir. इसके बाद सुनो, तीसरा जो पॉइंट है जहां पर ये रेस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज्ड हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सर, इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों, मैं समझा, जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग काम में लेते हैं, जैसे मान लो ये फरवरी वाला महीना, ये जो महीना है ये कब का है, फेब का मंथ है, ये है फेब 2021 का मैटर, तो इससे पहले वाला मंथ होगा जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ठीक है भाई, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। अब सपोज करो मेरी फरवरी महीने की जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है वो 100 लाख से ज्यादा है, माना वो 100 लाख से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इससे पहले के जो महीने हैं क्यूमुलेटिव, लॉ ने बोला क्यूमुलेटिव, अगर मेरा ऑलरेडी आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स है, आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स है, सपोज करो मेरी आउटवर्ड सप्लाई होती है भाई यहां पर 6 करोड़ रुपया, अप्रैल से लेके जनवरी तक मेरा आउटवर्ड सप्लाई होता है टैक्सेबल 6 करोड़,
तो 6 करोड़ का 1% कितना होता है बताओ। 6 करोड़ का 1% कितना होता है सर? 6 करोड़ का 1% होएगा 6 लाख होएगा, ठीक है? 6 करोड़ का 1% 6 लाख होएगा क्यूमुलेटिवली अप्रैल से लेके जनवरी तक। तो ऑलरेडी मैं कैश लेजर से 7 लाख दे चुका हूं, 8 लाख दे चुका हूं। अरे 6 लाख से ज्यादा तो मैं कैश लेजर से वैसे ही दे चुका यार, तो तुम मेरा क्यों रोक रहे हो? तुम मुझे फरवरी में क्यों बाउंड कर रहे हो कि भाई हम तुमको 1% कैश लेजर से देने के लिए कहेंगे, चाहे क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हो। क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हो तो भी क्या फरवरी में ये रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इससे पहले वाले महीनों में मैंने आउटवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स बना उसका 1% से ज्यादा, उसका 1% से ज्यादा मैंने कैश लेजर से पे किया है। आपको पता है ना, पेमेंट दो ही तरीके से होता है, या तो क्रेडिट लेजर से होता है या दोस्तों कैश लेजर से होता है। तो अगर मैं ऑलरेडी 1% से ज्यादा कैश लेजर से दे चुका हूं तो भी मेरे ऊपर चाहे फरवरी में 50 लाख से ज्यादा की सप्लाई हो, ठीक है, मेरे ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। देखो यही लिखा है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटवर्ड टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेट मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बोलो भाई समझ में आया? ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, कोई भी कंफ्यूजन डाउट रहता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं जरूर आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकल अथॉरिटी स्टैचुरी बॉडी। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, कोई स्टैचुरी बॉडी है, क्योंकि इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इफ दे आर डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटी, तो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ये जितना आईटीसी है पूरा यूज कर पाएंगे, इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी, कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ मे रिमूव द सेड रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड एज ही मे डीम्स फिट। तो अगर कमिश्नर साहब चाहे भाई तो इस रेस्ट्रिक्शन को कभी भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पावर है कमिश्नर साहब के पास, तो खैर ये कोई मतलब की बात नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर आया है 94/2020, ये याद मत करना नोटिफिकेशन नंबर, कोई जरूरी नहीं है भाई, बस याद कर लो 1 जनवरी किस से आया है ये अमेंडमेंट, याद रहेगा। एक तो आपको क्या याद रखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन 10% होता था एलिजिबल आईटीसी का, उन केसेस में जहां पर सामने वाले ने आउटवर्ड सप्लाई नहीं चढ़ाई जीएसटी R1 में, उसको 10% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है कि अगर 50 लाख से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी है किसी मंथ का, सॉरी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर मंथ का जब आप टैक्स पे करोगे तो क्रेडिट लेजर में कितना भी बैलेंस पड़ा हो, आप उस बैलेंस को आउटवर्ड जो टैक्सेबल लाइबिलिटी है आपकी उसके ज्यादा से ज्यादा 99% तक ही यूज कर सकते हो, 1% तो आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। तो ये सारी बात है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होंगे ये समझ में आया? चलो, तो आईटीसी में बस ये 2 अमेंडमेंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, और कोई खतरनाक अमेंडमेंट नहीं है। इससे पहले वाला चैप्टर जैसे सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई, उनमें कोई 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 अमेंडमेंट नहीं है। चलो, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट एप्लीकेबल है मैं आपको बता दूं। देखो भाई, रजिस्ट्रेशन जो होता है ना उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जम्प्ट किया है। आपको पता है दोस्तों जीएसटी के अंदर आधार अपडेट करना बहुत जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन के समय पर जो है पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। तो भाई कौन कौन से पर्सन होते हैं, कौन कौन से क्लास ऑफ पर्सन होते हैं विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन? तो सेक्शन 25(6)(d) में ये प्रोविजंस बताए गए हैं, रिलेटिंग टू आधार ऑथेंटिकेशन शैल नॉट अप्लाई। आपको पता है आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है जीएसटी में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भाई
जिन पर आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। कौन है वो लोग? ये बात मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। अगर आपको मैं पुराना हिस्ट्री बताऊं कि भाई कोई भी बंदा जो भारत का सिटीजन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, उसको आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाना पड़ता। क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, जितने भी क्लास ऑफ पर्सन होते हैं इनके अलावा, मतलब इंडिविजुअल को तो कराना पड़ेगा। ऑथोराइज सिग्नेचरी ऑफ ऑल टाइप्स मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर कर्ता ऑफ एचयूएफ, इनको तो कराना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी पर्सन होते हैं, जैसे फर्म हो गई, कंपनी हो गई, एओपी बीओआई हो गई, इनको नहीं कराना पड़ेगा। तो भाई साहब, अब इस नोटिफिकेशन को सुपर सेड कर दिया गया है एंड कंसिक्वेंटली फॉलोइंग पर्सन हैव बीन एग्जेम्प्टेड। अब कौन कौन से लोग हैं? देखो पहले तो केवल ये दो के लिए मना था, अब कौन कौन से लोग हैं भाई जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा? तो जो भारत का सिटीजन नहीं है, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको नहीं कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये तो पहले भी था। डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है। लोकल अथॉरिटी को जरूरी नहीं है। स्टैचुरी कोई बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी पर्सन जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेकर बैठा है, आपको पता है ना यूनिक आइडेंटिटी नंबर किसको मिलता है? एनआरटीपी को, ठीक है, एनआरटीपी को मिलता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उनके लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आप ये मानो दो या चार नंबर का थ्योरी क्वेश्चन या एमसीक्यू बनेगा इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसके बाद दोस्तों टाइम लिमिट्स को रिवाइज किया गया है रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में काफी जगह पर, और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है इसके ऊपर, विद इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020, 22 दिसंबर 2020 से रूल नंबर जो 9 है सीजीएसटी रूल्स का, उसमें जो बहुत सारी टाइम लिमिट्स हुआ करती उनको चेंज किया गया है, उनको बदला गया है। जैसे दोस्तों आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया करते थे, When you are applying for registration, तो लॉ में लिखा हुआ था कि 3 working day के अंदर जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करना पड़ेगा डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो जो 3 working day वर्ड लिखा हुआ था उसकी जगह अब आप 7 working day पढ़ोगे, जहां आपने 3 working days पढ़ा था कि भाई 3 working day में रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। पहले तो आपने ये पढ़ा था भाई एप्लीकेशन 30 दिन में लगानी पड़ती है when you are liable, और जब फिर आप एप्लीकेशन लगा देते हो तो डिपार्टमेंट को 3 working days में उसको अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो जो 3 working day वाला कंडीशन था भाई, उसको बढ़ाकर 7 working day कर दिया गया है। 3 working day की जगह कितना कर दिया? 7 working days, ठीक है भाई। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन की बात जो होती थी, द टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस Who fails to undergo आधार authentication? भाई या तो आप अपना आधार authentication करवा लो OTP के थ्रू। अगर मान लो किसी individual को आधार authentication करवाना था, किसी HAUF के कर्ता को आधार authentication करवाना था, नहीं करवाया, तो फिर क्या होता था? जब आप आधार authenticate नहीं करवाते थे दोस्तों, तो आपकी जो premises होती थी उसका physical verification होता था, department उसका physical verification करता था, और वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है, 30 डेज कर दिया गया है। जहां आप लोग 60 डेज पढ़े हो पहले, उस 60 डेज को रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में जो 3 working day था उसको बढ़ाकर 7 working day कर दिया, और भाई लोगों जो टाइम लिमिट होता है ना, टाइम लिमिट उसको रिड्यूस कर दिया गया है, 60 डेज से उसको 30 डेज कर दिया गया है, टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया, ये ध्यान रखना। और बाकी इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है, और इसमें कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है जो आपको याद करनी है। तो रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अब ये लाइन आप 60 दिन की जगह 30 दिन पढ़ोगे, आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन
इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 25, तो ये सब ठीक है, बस वो जो टाइम लिमिट 60 डेज हुआ करता था ना भाई, उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। इज इट क्लियर? आप चाहो तो आपके जो नोट्स आपने बना रखे हैं, मैंने क्लास में बनवाए हैं हैंडराइटिंग नोट्स, और जो मेरे से नहीं पढ़े हैं भाई, उनके पास जो भी फैकल्टी का नोट्स है, वहां पर पर्टिकुलर जगह पर जाकर आप उसको काट कर लिख लो। जहां 3 दिन है उसको 7 दिन कर लो, जहां 60 दिन है उसको 30 दिन कर, सही रहेगा आप लोगों के लिए। आईटीसी में भी कर लेना, क्योंकि जब आप उससे पढ़ोगे तो फिर अलग से थोड़ी पढ़ोगे, बेटर है आप मार्क करके रेड से स्टार स्टार करके अलग कलर पेन से लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अमेंडमेंट में से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना एक बार। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस वेयर एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट। सपोज करो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई, अब आपकी एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी में क्या होता था, नोटिस जारी किया जाता, डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता था। तो मतलब वहां ये था कि अगर एप्लीकेशन सही है तो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करो, नहीं तो 3 दिन में नोटिस दो, 3 वर्किंग डे में नोटिस दो, जवाब मांगो सामने वाले से, क्लैरिफिकेशन मांगो। तो जब उस 3 वर्किंग डे को 7 वर्किंग डे कर दिया, उसको किसको जो अप्रूव करने का था, तो अगर एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी है तो यहां पर भी 3 वर्किंग डे को 7 वर्किंग डे कर दिया। मतलब आप ये देखो जी, लॉ में जहां जहां 3 वर्किंग डे था ना, उसको उठाकर 7 वर्किंग डे कर दिया। आप चेंज जरूर कर लेना भाई अपने नोट्स में, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन वाला खोलना, उसमें वहां पर जाकर मुश्किल से आधा एक घंटे में सारा कर लो, लेकिन बेटर रहेगा, इतना सा तो कष्ट कर ही सकते हो भाई, पक्का। चलो इसके बाद द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ द नोटिस टू अ पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते थे, जिन लोगों को नोटिस दिया जाता था एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी होती थी, तो उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन 21 दिन में करवाना पड़ता, तो उसे भी 30 डेज कर दिया गया। कहने का मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है कि आधार ऑथेंटिकेशन अब हर जगह 30 डेज होगा, जहां 60 था उसको 30 कर दिया, जहां 21 था उसको भी 30 कर दिया। तो ये तो बढ़िया किया ना यार, याद करना इजी हो जाएगा, राइट। और जहां जहां पर 3 वर्किंग डे था वहां उसको काटकर 7 वर्किंग डे कर लेना, ठीक है। तो ये सारी बात है, और ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ बस ये पढ़कर चले जाओ आप। इसके बाद है भाई साहब डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है इसका डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। भाई साहब लॉ में ये लिखा हुआ था कि अगर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन को ना तो अप्रूव करता है और ना ही उसके बदले में कोई नोटिस इशू करता है, ना तो उसको अप्रूव करता है और ना ही आपको नोटिस देकर जवाब मांगता है, तो लॉ के अंदर ये लिखा गया है भाई, लॉ में ये लिखा हुआ होता था कि उसको डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा, ये लिखा हुआ होता था ना, डीम्ड अप्रूवल वाली बात होती थी ना, टाइम लिमिट फॉर डीम्ड अप्रूवल, कि उसको डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, ये लिखा हुआ होता था अंडर रूल 95, उसको रिवाइज कर दिया, वो जो टाइम लिमिट थी उसको रिवाइज कर दिया गया, टाइम लिमिट फॉर डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो टाइम लिमिट को कैसे रिवाइज कर दिया है मैं बता देता हूं, देखो क्या लिख दिया है, फिजिकल वेरिफिकेशन वाली जो बात थी उसमें 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन। अगर ऑफिसर एक्शन नहीं लेगा, बाबू छुट्टी पर है, आज ऑफिसर नहीं आया, मेरी तबीयत नरम है, मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, भाई ये बहाने नहीं चलेंगे। अगर 30 दिन में आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, आधार ऑथेंटिकेट हो गया उसके बावजूद भी, ठीक है, तो एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली सबमिट माना जाता है, रजिस्ट्रेशन इज टू बी ग्रांटेड, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों 7 वर्किंग डे एप्लीकेशन दे दी, 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट माना जाता था, पहले 3 दिन में ग्रांट माना जाता था, 3 दिन में एक्शन नहीं लेते थे, बस वो जो 3 दिन था वहां 7 दिन कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन में जहां 60 या 21 था उसको 30 कर दिया। तो ग्रांटेड वाली जगह पर भी तो चेंज करोगे कि अगर रजिस्ट्रेशन 7 दिन में ना दिया तो 7 दिन के बाद डीम टू बी ग्रांटेड, 30 दिन हो गए उसके बाद भी नहीं दिया तो आधार ऑथेंटिकेट हो गया तो भी नहीं दिया तो भी डीम टू बी ग्रांटेड,
ठीक है भाई लोगों, समझ में आया? देखो इतना आप करके चले जाओ, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, राइट? और बेटर है वहां कर लेना नोट्स के अंदर, मैंने लिखवाए हैं क्लास में, हैंड राइटिंग आपकी कॉपी में पूरे नोट्स बनवाए हैं, वहां कर लेना। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं भाई, वो जहां से भी पढ़े हैं अपनी बुकलेट में, जो भी प्रिंटेड बुक वगैरह क्या क्या देते हैं आजकल मार्केट में, चार्ट बुक, कलर बुक, उसमें कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ टेकिंग आईटीसी मिसमैच ऑफ जीएसटी आर 1 एंड 3B और वायलेशन ऑफ रूल 86B टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन लाइबल टू बी कैंसिलेशन। दोस्तों ये बहुत खतरनाक अमेंडमेंट कर दिया। आप बिना मैचिंग के अगर आईटीसी ले रहे हो, आपको पता है ना, अगर सामने वाला अपनी जीएसटी आर 1 में शो नहीं करता है तो आपको वो 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है? और अगर उसने शो कर भी दिया लेकिन सामने वाले ने अगर जीएसटी आर 3B नहीं भरी, मतलब सामने वाले ने अगर टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, और अगर आप 2A या 2B में से देखकर उसका क्रेडिट ले लेते हो, बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं साहब मैं तो माल खरीद के लाया था, वैसे उनकी गलती है भी नहीं यार। अगर आप एक बायर हो, आप एक रेसिपिएंट हो, आप सप्लायर को पूरा पेमेंट करके आए हो, आप उसके पास से बिल लेकर आए हो, अब वो अगर जीएसटी आर में अपलोड नहीं करता है, वो जीएसटी आर 3B नहीं भरता है, तो भाई इसमें आपकी क्या गलती? लेकिन सरकार कहती है नो, रेसिपिएंट तुम क्रेडिट नहीं लोगे, अगर तुमने ले ली और मिसमैच पाया गया तो बहुत बुरी करेंगे हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। बहुत सारे लोग इतने शातिर होते थे सप्लायर लोग, वो पता है क्या करते थे, जीएसटी आर 1 में तो सारी आउटवर्ड सप्लाई दिखा देते थे, क्योंकि जीएसटी आर 1 में दिखाने में क्या जा रहा है, वहां पर कोई टैक्स थोड़ी पे करना पड़ता है, टैक्स तो तब पे करना पड़ता है भाई जब आप जीएसटी आर 3B भरते हो, क्योंकि रिटर्न तो 3B है, तो जीएसटी आर 1 भरने से वो सामने वाले को 2A में व्यू हो जाती थी, लेकिन सामने वाले को बोलो आईटीसी नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि सप्लायर ने जीएसटी आर जो 3B है वो फाइल नहीं किया, तो सरकार बोली भाई अगर जीएसटी आर 1 और 3B में मिसमैच पाया गया, ये बात सप्लायर के लिए लिखी है, रेसिपिएंट के लिए नहीं लिखी, या रेसिपिएंट को तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सप्लायर ने ये बदमाशी करी है कि जीएसटी आर 1 भर दी और 3B भरी नहीं और उसमें मिसमैच आ रहा है, तो भाई साहब ये जो सप्लायर है, सप्लायर महाशय है, इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल तक कर दिया जाए, इनके साथ बहुत बुरी की जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा फ्रॉड है दोस्तों, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज मार्केट में ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चल रही है, सप्लायर लोग जीएसटी आर 1 फाइल कर देते हैं लेकिन वो 3B फाइल नहीं करते, जिसके कारण दोस्तों बाई द रीजन रेसिपिएंट को बेचारे को क्रेडिट नहीं मिलता। तो सरकार ने उस प्रैक्टिस को लगाम लगाने के लिए अमेंडमेंट किया कि सप्लायर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वायलेट करता है रूल 86B का, फर्निश कर देता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटी आर 1 फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन वैलिड रिटर्न, वैलिड रिटर्न किसमें जाती है 3B में, मतलब आपने जीएसटी आर 1 में तो दिखाई 50 लाख की आउटवर्ड सप्लाई और 3B में दिखा रहे हो 20 लाख की, तो आपकी नियत में खोट है, 30 लाख पर आप टैक्स नहीं देना चाहते, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। इसे रोकने के लिए सप्लायर को कहा कि सप्लायर तेरा रजिस्ट्रेशन हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडेड। देखो कैंसिलेशन में और रजिस्ट्रेशन में फर्क है, यहां तो सीधा कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन मतलब खत्म, सस्पेंशन इज नॉट कैंसिलेशन, सस्पेंशन का मतलब ही होता है थोड़े समय के लिए उसको सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई होगी, जांच होगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद कैंसिलेशन करें या ना करें वो ऑफिसर डिसीजन लेगा, तो ये सस्पेंशन है। देखो सस्पेंशन कब होता है, सुनो रूल 21A ऑफ द सीजीएसटी रूल, वूल अगर याद नहीं हो रहे हैं तो टेंशन नहीं लो, रूल वूल लिखने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, प्रोविजन याद होना चाहिए विच प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ जी, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, आप रूल वूल याद कर रहे हो, इनमें कोई टाइम वेस्ट मत करना, कोई नंबर नहीं मिलेंगे इनके एक्स्ट्रा, और डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं भाई, रूल 221A बताओ, रूल 86B बताओ, रूल सेक्शन बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम, ठीक है?
99.99 तो नहीं आता यार, 0.01 इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कोई आधा एक नंबर का दे दे तो क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, कौन सा 100 में से 100 चाहिए, 99 आ जाए बहुत है। चलो रूल 21 है, क्या कहता है, विच प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज बीन अमेंडेड। देखो, वेयर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, ही कैन नाउ सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन पेंडिंग द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स विदाउट अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कोई भी ऑफिसर जो है, अगर उसको रीजन टू बिलीव है कि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो ही कैन नाउ सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन पेंडिंग द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग, मतलब कैंसिल करने से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करो, ऐसा लॉ में लिखा है। अच्छा, जब सस्पेंशन होता है ना, तो वहां रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा कैंसिल हो रहा है, अभी तो हम सस्पेंड कर रहे हैं, तो सस्पेंड करते समय कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठा। हाँ, फाइनल कभी कैंसिलेशन करें तो देगा डिपार्टमेंट, लेकिन सस्पेंशन के अंदर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वेयर आर कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर 39, जब उसकी आउटवर्ड सप्लाई को देखा गया और डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई डिराइव बेस ऑन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर, ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रावेंशन लगता है कि उसने गलत तरीके से क्रेडिट लिया है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करेंगे। क्या कह रहा है, देखो लो, अगर आउटवर्ड सप्लाई आपने GSTR 1 में दिखाई या डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो सामने वाले की GSTR 1 से आपको मिलता है, जब सामने वाला सप्लायर GSTR 1 में अपलोड करेगा तभी तो आपको इनवर्ड सप्लाई में डिटेल मिलेगी, तो आपकी आउटवर्ड और इनवर्ड में अगर कोई भी डिफरेंस नजर आता है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नजर आता है, तो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाएगा और उस पर्सन को इंटीमेशन दी जाएगी ईमेल के द्वारा, चिट्ठी नहीं आएगी, कबूतर जा कबूतर नहीं जाएगा, ईमेल से चिट्ठी दी जाएगी, ईमेल भेजा जाएगा, इन द इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द सेड डिफरेंस एंड एनोमलीज आर हाईलाइटेड। अच्छा, ऐसे में उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा कि क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कभी भी डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, उसके लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना जरूरी है और इसमें 30 दिन का टाइम है, आपको 30 दिन के टाइम में बताना पड़ेगा कि भाई क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो और तो कोई मेरे को ऐसा खतरनाक पॉइंट यहां पर लगा नहीं जो आपको पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। सस्पेंशन पीरियड में वो चाहे तो उसको रिवॉक कर सकता है, कैंसिलेशन ना करे उससे पहले, ठीक है, ये सब कोई ज्यादा खास नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। यहां पर दोस्तों एक छोटा क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू पक्का आ सकता है या 2 से 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज इन रिलेशन टू इनवॉइसिंग। ये जो ई इनवॉइसिंग है ना दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई थी ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा देखो, इसमें बहुत सारा चेंज हुआ है, बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है, ये रही, आप तो बस ये टेबल देख जाओ और कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो, ई इनवॉइसिंग जो होती है ना, वो किसके लिए मैंडेटरी होती है, E-invoice is mandatory for every taxpayer. अब taxpayer क्योंकि स्टार लगा हुआ है नीचे, देखो taxpayer कौन है, taxpayer जो होता है वो कौन होता है taxpayer? तो कोई भी बंदा जो taxpayer है भाई, whose aggregate turnover in any of the financial year from 1718 का मतलब ये है 17, 18, 19, 20, 21, मतलब पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में
अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट समझते हो ना, सारा टैक्सेबल एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई जितनी भी है सारा टोटल, पहले सरकार ने ये लिमिट 500 करोड़ कर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ से ज्यादा है, तो इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर सपोज तुम्हारा करंट ईयर 2021 है और पिछले 17-18 में, 18-19 में या 19-20 में किसी भी फाइनेंशियल ईयर, एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो तुमको इनवॉइस बनाना जरूरी था। ये नियम आया था 1 अक्टूबर 2020, ये रूल कब आया था, 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल। फिर ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी कर दिया गया, जिनका टर्नओवर एग्रीगेट 100 करोड़ भी अगर क्रॉस कर जाएगा तो उन्हें भी ई इनवॉइसिंग जरूरी रहेगा। ये 1 जनवरी 2021 से आया था अमेंडमेंट, और अभी लेटेस्ट 1 अप्रैल 2021, ये आप लोगों को सबसे लेटेस्ट है, 1 अप्रैल 2021 से लॉ में ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि भाई 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 50 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाता है, तो आपको करंट ईयर में, आपका करंट ईयर है मान लो जी 2021, तो क्यों, अब तो 21-22 ले लो, क्योंकि 1 अप्रैल 21 से है ना, तो 21-22 से आपको यहां पर ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। पहले लिमिट 500 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़। तो भाई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 21 से लॉ में ये चेंज हो गया है कि पहले वाले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आपको वहां पर दोस्तों ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सी डेट से कितना टर्नओवर का लिमिट है। इसके बाद दोस्तों डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड, जिसको हम लोग QR कोड बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जब आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो बिल के ऊपर ऐसा ब्लैक कलर का कोड होता है, मैंने तो रेड बनाया है, वो ब्लैक कलर का ऐसे कोड होता है, इसको बोलते हैं QR कोड। तो ये जो QR कोड होता है ना दोस्तों, ये क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, डायनेमिक होता है, इसको जैसे ही कोई बंदा स्कैन करेगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पेमेंट डिटेल्स वगैरह फिल आ जाती है, सप्लायर की डिटेल, रेसिपिएंट, सारी डिटेल आ जाती है QR कोड से। तो सरकार ने इनवॉइस के ऊपर ये QR कोड मैंडेटरी कर दिया, तब से कर दिया ऑल B2C इनवॉइसेस, क्योंकि देखो B2B में तो सरकार को सब कुछ पकड़ में आ जाता है, लेकिन B2C में प्रॉब्लम है। तो ऑल B2C इनवॉइसेस, जितने भी B2C इनवॉइसेस होते हैं विच इज इशूड बाई रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, मतलब 17-18 हो चाहे 18-19 हो चाहे 19-20 हो, अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो गया। अच्छा, यहां पर कोई चेंज नहीं है, आप ये मत सोचना कि जैसे इनवॉइस वाले में 500 करोड़ हो गया, फिर 100 करोड़ हो गया, फिर 50 करोड़ हो गया, यहां पर ऐसा नहीं हुआ भाई, यहां तो अभी भी 500 करोड़ ही है। अगर किसी भी बंदे का एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 या 19-20 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 500 करोड़ से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर हो जाता है, तो ऐसे बंदे को जितने भी B2C इनवॉइसेस हैं, B2B के लिए नहीं है, B2C जो इनवॉइसेस हैं उन पर डायनेमिक QR कोड मेंशनड करना जरूरी है, डायनेमिक QR कोड मेंशनड करना जरूरी है फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 500 करोड़ से ज्यादा होने पर ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, वेदर इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस। चाहे दोस्तों आप गुड्स की सप्लाई दे रहे हो और चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई दे रहे हो, चाहे आप बोथ दे रहे हो, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहे हो, शैल हैव डायनेमिक QR कोड, तो डायनेमिक QR कोड वहां पर होना जरूरी है। दोस्तों ये जो डायनेमिक QR कोड है ये कुछ लोगों के लिए
एप्लीकेबल नहीं है। अब ये कौन से लोग हैं भाई जिनको डायनेमिक क्यूआर कोड इनवाइस पर नहीं मेंशन करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी सप्लाई किसको दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि जो डायनेमिक क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो डायनेमिक क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा जहां पर अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर दी गई है तो भी डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, आपने बैंक से सर्विस ली, इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस ली, आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से सर्विस ली, तो वो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड हम जैसे लोगों को सर्विस देते हैं, लेकिन उन्हें अपने किसी भी इनवाइस पर क्यूआर कोड लगाना जरूरी है। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसका काम क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस बाई रोड। तो दोस्तों जो जीटीए होता है, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देना, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो जीटीए को भी भाई साहब अपने इनवाइस पर क्यूआर कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बहुत सारे लोग जैसे सामान को ढोया जाता है भाई, वैसे इंसानों को भी ढोया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो उसके ऊपर भी क्यूआर कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। कोई भी बंदा अगर एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हो, आजकल तो मूवी देखना ही भूल गए जब से कोविड आया है, तो अगर आप मूवी हॉल में जाते हो, वहां पिक्चर का टिकट लेते हो, तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं ना पिक्चर दिखाने की, तो वो पिक्चर की टिकट पर क्यूआर कोड मेंशन करना जरूरी नहीं। जो लोग ओआईडीएआर सर्विस देते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है उनके लिए ये काम का नहीं है, बाकी लोग ओआईडीएआर सर्विस समझते होंगे, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रायवल सर्विस। तो ये जो सर्विस होती है, इसे देने वाले लोग अपने बिल पर QR कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है, उनको QR कोड मेंशन करना जरूरी नहीं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, दो चार नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। नो डायनेमिक QR कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर कोई बंदा दोस्तों एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है और वो एक्सपोर्ट करता है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हाउएवर ई इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो B2B सप्लाई अगर होती है तो वहां पर ई इनवॉइसेस आर मैंडेटरी, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो थ्रू सच सप्लाई आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हाउएवर सिंस ई इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर एक्सपोर्ट ट्रीटिंग देम एज B2B। क्या होता है भाई, जब कोई भी बंदा एक्सपोर्ट करता है, अगर सामने वाला बंदा जो रेसिपिएंट है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे B2B की तरह माना जाता है, उसको B2B की तरह माना जाता है और वहां ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन QR कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। एक्सपोर्ट के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई दे रहे हो तो ई इनवॉइस के लिए तो वो जरूरी है, क्योंकि उसे B2B माना जाता है, एक्सपोर्ट के केस में B2B माना जाता है, वहां पर तो जरूरी है, लेकिन QR कोड मेंशन करना जरूरी है, QR कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। पैरामीटर और डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन डायनेमिक और QR कोड। ये जो QR कोड होता है भाई, इसमें क्या क्या चीजें होती है, जब QR कोड को स्कैन करोगे तभी आप प्रैक्टिकली तो देखना, उसमें सप्लायर का GST नंबर आएगा, सप्लायर की UPI ID आएगी, पेई का बैंक अकाउंट नंबर IFSC आएगा, ये सब ट्रैक करने के लिए, क्योंकि लोग अनरजिस्टर्ड लोगों को माल बेचकर बिल नहीं बनाते, तो इससे ट्रैक होएगा इंफॉर्मेशन, इनवाइस नंबर, इनवाइस रेट, टोटल इनवाइस वैल्यू, GST अलोंग विद ब्रेकअप, CGST कितना, SGST कितना, IGST कितना, सेस कितना, ये सब होता है इसके अंदर। अच्छा, डायनेमिक QR कोड का मतलब इतना सा है कि जैसे ही उसको स्कैन करेंगे तो डिजिटल पेमेंट उससे सामने वाला इजीली कर सकता है, उसको अमाउंट तक फिल नहीं करना पड़ता, सब कुछ उसमें भरा हुआ आता है। इसके बाद कंप्लाइंस विद द डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस। अब यहां पर मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूं, जैसे कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी तो डिपार्टमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया,
जैसे केस नंबर वन क्या कहता है, मान लो कोई सप्लायर प्रोवाइड डिस्प्ले डायनेमिक क्यूआर कोड, मान लो मैं एक सप्लायर हूं, मैंने अपने बिल पर डायनेमिक क्यूआर कोड डाला, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा हूं, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया कि नहीं सर मैं तो कैश में पेमेंट करूंगा, मैं तो ये लफड़े नहीं समझता, मैं तो चेक से पेमेंट करूंगा, मैं तो जो है आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा डायनेमिक क्यूआर कोड से, तो लॉ ने बोला, क्योंकि आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना सामने वाले से, तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं, उस सप्लाई का जो इनवॉइस है उस पे आप डायनेमिक क्यूआर कोड अगर उसने यूज नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, जो भी पेमेंट डिटेल्स है, जो सामने वाले ने पेमेंट किया है जिस भी मोड से किया है, वो आप उस पर डाल देना बिल पे। जब आप बिल पर डाल दोगे तो इट इज अ सफिशिएंट कंप्लाइंस, ठीक है, इट इज अ सफिशिएंट कंप्लाइंस। सामने वाला बायर अगर क्यूआर कोड को यूज नहीं करता है पेमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस भी मोड में पेमेंट कर रहा है वो डिटेल्स अगर आप इनवॉइस के अंदर मेंशन कर दोगे तो इट वुड बी सफिशिएंट कंप्लाइंस, ठीक है। और यही बात इसमें यहां पर लिखी हुई है। केस नंबर टू क्या बोलता है, इफ अ सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट वेयर थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्ले बट डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन आर डिस्प्लेड कैप्चर्ड और अदरवाइज। इफ सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट वेयर दो डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्ले बट द डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन आर डिस्प्ले और कैप्चर्ड अदरवाइज। तो दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है, इफ द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट मेड यूजिंग सच इलेक्ट्रॉनिक मोड, भाई कई बार क्या होता है कि सप्लायर ने कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल करवा दिया, ठीक है, उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया या अपनी जो यूपीआई आईडी थी वो दे दी, डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्ले, वो डिस्प्ले नहीं किया, बट द डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन आर डिस्प्ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनवॉइस पर डिटेल लिख दो भले ही क्यूआर कोड से पेमेंट ना हुआ हो, इट इज सफिशिएंट कंप्लाइंस। केस नंबर थ्री बोलता है, इन केस ऑफ प्रीपेड इनवॉइसेस वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, अब ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल इशू है, मान लो मैंने बिल आज बनाया तो मैं तो क्यूआर कोड बिल पर आज लिखूंगा, लेकिन मेरा रेसिपिएंट मुझे पेमेंट एडवांस में कर गया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड पेमेंट। मैंने उसको कहा था यार मैं बिल बनाऊं तब कर दी, उसने कहा नहीं सर ये पेमेंट पकड़ो, अच्छा मैंने ले लिया तुरंत, लेकिन बिल तो मैं बाद में बनाऊंगा तो अब क्या होगा, तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, बिल आपने बाद में बनाया है तो आप उस बिल पर उस पेमेंट की डिटेल डाल दो जो आपको एडवांस में मिल गया, उसका मोड वगैरह बता दो, दैट कुड बी सफिशिएंट कंप्लाइंस, ठीक है। तो ये सब देखो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, तो कोई बात नहीं, आपको केवल बिल के ऊपर रेफरेंस डालना है, पेमेंट डिटेल्स डालनी है। नेक्स्ट केस है, वंस द ई-कॉमर्स ऑपरेटर और द ऑनलाइन एप्लीकेशन has complied with the dynamic code, whether the supplier using such e-commerce portal or application will still be required to comply with the requirement of dynamic QR code. देखो dynamic जो QR code requirement होती है ना, वो each supplier या registered person पर separately होती है। Supplier मान लो payment supplier, जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, direct buyer को माल नहीं भेजते, बीच में ई कॉमर्स पोर्टल होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजॉन होता है, तो पेमेंट्स वगैरह जो आती है वो बायर से अमेजॉन के पास आती है और जो सप्लायर होता है उसको बाद में अमेजॉन से पैसा मिलता है, यही होता है सिस्टम। तो अगर सप्लायर इज मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल और एप्लीकेशन, द सेड सप्लायर गिव्स अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई ऑन द इनवॉइस, then such invoices would be deemed to be compliant with the requirements of dynamic QR. अब ये supplier है और ये यहाँ पर है Mr. Ram, Ram को कोई सामान खरीदना है, उसको calculator खरीदना है, उसको laptop खरीदना है, उसने तो payment Amazon को किया, अब supplier जो bill बनाकर देगा उस bill से कोई मतलब नहीं है, तो लॉ ने बोला कि सप्लायर अगर बिल पर अमेजॉन को जो पेमेंट मिला है उससे रिलेटेड डिटेल अगर अपने बिल में मेंशन कर दे तो इट वुड बी सफिशिएंट कंप्लाइंस, क्योंकि सप्लायर को तो डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा नहीं ना बायर से, क्योंकि बीच में ई कॉमर्स पोर्टल है, तो जो पेमेंट ई कॉमर्स पोर्टल पर आया है उसकी क्रॉस डिटेल सप्लायर अगर अपने बिल में मेंशन कर दे तो हम उसे सफिशिएंट कंप्लाइंस मान लेंगे, ठीक है भाई लोगों, हम उसको सफिशिएंट
जो कंप्लाइंस है वो मान लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है भाई लोगों, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत जोर से समझ। तो चलिए दोस्तों यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज इन रिलेशन टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ईवे बिल। तो जो अगला अमेंडमेंट है दोस्तों वो हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ईवे बिल में है। और मैं बता दूं दोस्तों ईवे बिल के अंदर यहां पर जो डिस्टेंस था उसके अंदर चेंज किया गया है। और क्या चेंज किया गया है दोस्तों वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। अगर हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ईवे बिल का चेंज देखें तो लॉ के अंदर जो 100 किलोमीटर आप लोग पढ़ते थे, 100 किलोमीटर दोस्तों उसको 200 किलोमीटर कर दिया गया। और ये अमेंडमेंट भी 1/1/21 से इफेक्टिव हुआ है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल, ईवे बिल पर एक छोटा मोटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो ईवे बिल हो या कंसोलिडेटेड ईवे बिल हो, कंसोलिडेटेड ईवे बिल यू नो वेरी वेल कि जब बहुत सारे अलग अलग मोड से हम सामान को लेकर जाते हैं तो वो कंसोलिडेटेड ईवे बिल होता है। तो ईवे बिल हो या भाई कंसोलिडेटेड ईवे बिल हो, यहां पर दोस्तों जो टाइम लिमिट है उसको रिड्यूस किया गया है। प्रायर टू अमेंडमेंट आप देखते थे 100 किलोमीटर तक होता था, आफ्टर द अमेंडमेंट ये अप टू 200 किलोमीटर हो गया है, ठीक है, एक दिन के लिए। और अगर आप एक दिन से ज्यादा, अच्छा ये जो चेंजेस हुए हैं ये पता है किसमें हुए हैं? अदर देन ओवर डाइमेंशनल कार्गो, ओवर डाइमेंशनल कार्गो जो ओडीसी होते हैं, ओवर डाइमेंशनल कार्गो में तो बहुत कम होता है किलोमीटर, जिसमें वो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना पीछे, आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर जैसे सीमेंट का वो कॉन्क्रीट पीछे वाला चलता है, तो वो डाइमेंशनल कार्गो होते हैं जिसमें एक ही सामान बहुत बड़ा जाता है, उसकी बात नहीं हो रही। नॉर्मली जब सामान लेकर जाएगा कोई भी गड्डी ट्रक सामान लेकर जाएगा तो पहले 100 किलोमीटर मिला करता था दोस्तों एक दिन के लिए, अब उस 100 की जगह 200 कर दिया है। और एक दिन से ऊपर अगर आपको लगेगा तो एवरी एडिशनल डे वहां पर भी 100 की जगह आपको 200 कर दिया है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये देखो वेरी गुड एग्जांपल। रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू इट्स डिपो लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। इन द गिवन केस इफ ईवे बिल वॉज जनरेटेड बिफोर 1 जनवरी 2021, दोस्तों 1 जनवरी 2021 से पहले अगर ईवे बिल बना दिया गया है और सपोज करो वो 5 दिन के लिए बनाया गया है तो बताओ दोस्तों कितना आपको टाइम मिलेगा। तो मैं बता दूं भाई, अगर वैलिड 5 दिन रहेगा, सॉरी ईवे बिल की जो वैलिडिटी है वो 5 दिन है। अच्छा आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो अब 100 से गिनोगे तो भाई पहले 5 दिन मिला करते थे, 1 जनवरी 2021 से पहले 5 दिन होता था ये, 1 जनवरी 2021 के बाद अगर ईवे बिल बनेगा तो यही 500 किलोमीटर जो है इसके लिए आपको 3 डेज मिलेंगे। कैसे? 200 और बचे हुए 100 के लिए 1 दिन, तो ये आपको 3 दिन मिलेंगे। पहले 500 में 5 दिन होता था, अब 3 दिन होते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी। देखो सरकार ने यहां पर एक बहुत बड़ी बदमाशी करी है, कि बदमाशी तो नहीं बोल सकते यार, देखो लोग भी नहीं मानते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई कि कोई भी पर्सन अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, देखो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिटर्न जो होती है ना, रिटर्न आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है वेदर मंथली और क्वार्टरली, तो अगर आप लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, अच्छा पहले ये कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स होता था, अब इसको 2 टैक्स पीरियड कर दिया, बताओ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जरूरी नहीं है ना मंथली जाएगा रिटर्न, क्वार्टरली भी जाता है। तो अगर आपका क्वार्टरली है तो आपका टैक्स पीरियड क्वार्टर होगा, तो 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं चला गया हो। अगर 2 क्वार्टर का रिटर्न आपका लगातार नहीं गया, या अगर मंथली है तो 2 लगातार महीनों का रिटर्न अगर नहीं गया भाई, तो ध्यान रखना आपका जो ईवे बिल जनरेट करने का फैसिलिटी है ना उसको यहां पर ब्लॉक कर दिया जाए। ये जो ईवे बिल फैसिलिटी है इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ,
ये बात भाई लोगों आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ईवे बिल का जो फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाएगा, आप ईवे बिल नहीं बना पाओगे। और जब ईवे बिल नहीं बना पाओगे तो भाई सप्लाई करोगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने कंप्लाइंस को पूरा कराने के लिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ठीक है। तो दो लगातार टैक्स पीरियड के लिए, मंथ भी मत बोलो क्वार्टर भी मत बोलो, दो लगातार टैक्स पीरियड के लिए अगर आपका रिटर्न नहीं जाता है तो भाई साहब ईवे बिल को जनरेट करने का जो फैसिलिटी है वो दोस्तों आपका यहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पेंडिंग दी कंप्लीशन ऑफ दी प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे लेकिन आपका ईवे बिल का जो फैसिलिटी है वो ब्लॉक हो जाए, ये एक चेंज है, बस इतना सा चेंज है और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। केवल एक तो पीरियड जो पहले 100 दिन हुआ करता था ईवे बिल में अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, उसको 200 कर दिया। और दोस्तों एक ईवे बिल फैसिलिटी ब्लॉक होगा अगर दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड से आपका रिटर्न नहीं है। दोस्तों ये है हमारा रिटर्न नाम का चैप्टर जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, मेजर चेंजेस, काफी बड़े चेंजेस हैं दोस्तों। यहां पर आपको एक नई स्कीम पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है QRMP स्कीम। तो आप रिटर्न वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, इस बार कंफर्ट क्वेश्चन यहां से बनेंगे, मुझे लग रहा है काफी अच्छा वेटेज रहने वाला है, कम से कम 4 नंबर से 8 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो रिटर्न वाले चैप्टर पर थोड़ा फोकस करिएगा, अच्छे खासे MCQ एग्जाम में आ सकते हैं। QRMP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। QRMP का फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। दोस्तों ये स्कीम आई कब से? 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से आई कि रिटर्न तो क्वार्टरली जाएगी लेकिन पेमेंट मंथली हो। दोस्तों इससे पहले क्या हो रहा था कि जो रिटर्न होती थी ना, रिटर्न वो भी क्वार्टरली जाती थी और पेमेंट भी क्वार्टरली होती। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे ABCDE ये सब सप्लायर है, ठीक है। अब यहां पर है मिस्टर एक्स, ये रेसिपिएंट है। अच्छा सपोज करो मिस्टर एक्स भी आगे आउटवर्ड सप्लाई करता है और इनवर्ड सप्लाई भी लेता है। अब सपोज करो एक ही मंथली स्कीम है तो वो हर महीने रिटर्न भरेगा, टैक्स जमा कराएगा। बी का मंथली स्कीम है, वो भी हर महीने रिटर्न जमा कराएगा, टैक्स जमा कराएगा, तो एक्स को ITC मिलता जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ये क्वार्टरली वाले हैं, इनका रिटर्न क्वार्टरली जाता है और इनका टैक्स भी क्वार्टरली ही जाता था पहले, रिटर्न भी क्वार्टरली और टैक्स भी क्वार्टरली। तो मिस्टर एक्स को एवरी मंथ क्रेडिट नहीं मिल पाता था क्योंकि वो 2A में शो ही नहीं होएगा, क्योंकि सी डी और ई जो है ये तो क्वार्टरली करेंगे ना सब काम, और जब तक ये टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो इधर एक्स को क्रेडिट नहीं मिलता था, तो मिसमैच आता था दोस्तों, एक्स का जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता था ITC का। अच्छा सरकार की ये मजबूरी है कि छोटे बिजनेसमैन को मंथली रिटर्न के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि उनका कंप्लाइंस बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला। गवर्नमेंट बोली भाई हम एक ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं 1 जनवरी 2021 से, नए साल से, कि रिटर्न तो हम क्वार्टरली लेकर आ रहे हैं, रिटर्न तो वैसे ही जाएगी जैसे पहले जारी, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट होएगा वो मंथली बेसिस पर होगा। अच्छा टैक्स का पेमेंट अगर मंथली बेसिस पर होगा तो जिसका रिटर्न क्वार्टरली है वो भी टैक्स तो हर महीने जमा कराएगा, जब टैक्स हर महीने जमा होगा तो इधर रेसिपिएंट को ITC मिलेगी, तो मिसमैच वाले जो केसेस हैं वो नहीं आएंगे। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो, सरकार ये वाली स्कीम लेकर आई QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अच्छा देखो इससे लॉ में क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहली बात मैं आपको 1 by 1 सारा पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टेबल चार्ट बने हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम सबको पढ़ेंगे दोस्तों ताकि आपका डाउट आपके कंफ्यूजन को मैं कम से कम कर सकूं। देखो ये जो QRMP स्कीम है ना, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली स्कीम, ये सबसे पहली बात तो एक ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है, ध्यान रखना ये मैंडेटरी स्कीम नहीं है दोस्तों, आप इसको मैंडेटरी स्कीम मत समझ लेना, ये ऑप्शनल स्कीम है। अगर आप मंथली रिटर्न और मंथली पेमेंट में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आप क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली पेमेंट में जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये स्कीम अगर आप लेना चाहते हो तो इससे आपका बेनिफिट ये है कि आपके जो रेसिपिएंट है, आपके जो बायर है, वो आपसे ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि उनको समय पर आईटीसी मिल जाए। और यही इस स्कीम को लॉन्च करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा। ये स्कीम सरकार क्यों लेकर इसीलिए तो लाई कि भाई आप अगर रिटर्न क्वार्टरली करोगे और उसका अगर पेमेंट नहीं जाएगा सरकार के पास, तो जब तक आप सामने वाले का डिटेल नहीं डालोगे तो उसको इनपुट कैसे मिलेंगे। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि आप अपने रेसिपिएंट को समय पर क्रेडिट दिला पाओ, जिससे वो आपसे ज्यादा सेटिस्फाई रहे और वो आपसे बिजनेस करना पसंद करे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल स्कीम है। अच्छा, ये स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाई गई है जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट समझते हो ना, दो चार पांच दस जितने भी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है पैन बेस्ड, उन सबका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेना है और वो अप टू 5 करोड़ इन द करंट एंड प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर में भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों उसमें भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अच्छा, ये लोग क्या करेंगे, फर्निश करेंगे GSTR1। GSTR1 पता है आपको, आउटवर्ड सप्लाई का डेटा जाता है, एंड फॉर्म GSTR3B। 3B इज अ कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, मतलब GSTR1 भी क्वार्टरली जाएगा, जो रिटर्न जाती है GSTR3B वो भी क्वार्टरली जाएगी, लेकिन टैक्स का पेमेंट यहां मंथली होगा। टैक्स का जो पेमेंट होगा ना दोस्तों वो मंथली होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर GSTR1 अगर क्वार्टरली जाएगी तो सामने वाले रेसिपिएंट को मंथली क्रेडिट कैसे मिलेगा। दोस्तों टेंशन मत लो, उसके लिए गवर्नमेंट एक नई चीज लेकर आई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में IFF बोलते हैं। तो ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर रेसिपिएंट को इनपुट का क्रेडिट हर महीने की हर महीने मिल जाए। तो फिर से सुन लो भाई, QRMP स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, ये ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है और इसका बेनिफिट स्मॉल टैक्स पेयर्स को मिलता है जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो पेन पर बेस्ड होता है वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वो लोग GSTR जो 1 फाइल करेंगे वो क्वार्टरली करेंगे, GSTR 3B भी उनका क्वार्टरली जाएगा, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट होगा ना, टैक्स का, वो मंथली बेसिस पर होगा, थ्रू आ सिंपल चालान, थ्रू आ सिंपल चालान। ओके, इससे होगा क्या दोस्तों, सुनो, इससे होगा क्या, टैक्स पेयर्स को केवल 4 बार साल में रिटर्न भरनी पड़ेगी। 3B जो जाएगी वो साल में 4 बार जाएगी क्वार्टरली बेसिस पर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो 12 रिटर्न भरनी पड़ती थी 3B की, उसकी जगह 4 रिटर्न भरनी पड़ेगी, और GSTR1 भी केवल 4 बार देना पड़ेगा। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं 5 करोड़ से कम वाले, उनको बेनिफिट ये होगा कि जो काम उनको ईयर में 12 बार करना पड़ता था, 12 टाइम्स करना पड़ता था, वही काम दोस्तों केवल 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर एक IFF फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब आप लोग कहोगे सर ये IFF फैसिलिटी क्या है जरा बता दो, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IFF फैसिलिटी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यही है कहानी जिसके पीछे क्रेडिट मिलना शुरू हो गया। तो QRMP स्कीम इज GSTN वाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टिंक्ट पर्सन कैन अवेल QRMP स्कीम ऑप्शन फॉर 1 और मोर GST आई है। सुनो मैं बताता हूँ बात क्या है। जैसे ए लिमिटेड है दोस्तों, उसका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और तेलंगाना, इन सभी स्टेट्स में ए लिमिटेड का बिजनेस है, तो वो लोग GST नंबर अलग अलग लेने पड़ेंगे क्योंकि स्टेट वाइज होता है रजिस्ट्रेशन।
एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर तो हम पूरा एक ही देखेंगे क्योंकि पेन तो सेम है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो ए लिमिटेड राजस्थान में तो क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहती है लेकिन गुजरात में नहीं लेना चाहती, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर ये जो महाराष्ट्र है इसमें लेना चाहती है लेकिन दिल्ली में नहीं लेना चाहती, तो क्या ऐसा कर सकती है क्या वो? क्योंकि ऑप्शनल है ना, बताओ कर सकती है क्या? अगर आप लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम याद आ रहा है तो गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि कॉम्पोजिशन में तो क्या होता था कि या तो सभी जगह पर कॉम्पोजिशन लो या सभी जगह पर कॉम्पोजिशन की जगह रेगुलर स्कीम लो, उसको इससे मत जोड़ दे। देखो क्यूआरपी स्कीम ऑप्शनल है, आपको पता है दोस्तों, यहाँ डिस्टिंक्ट पर्सन कैन अवेल क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शन फॉर वन और मोर जीएसटी आई है, मतलब आपके पास ये चॉइस है कि आप जहां लेना चाहते हो वहां लो, जहां नहीं लेना चाहते वहां ना लो, क्योंकि जीएसटी आईएन तो डिफरेंट होते हैं, पैन एक ही होता है। तो ये आप कर सकते हो कि जैसे गुजरात में नहीं लेना चाहो, राजस्थान में लेना चाहते हो, महाराष्ट्र में लेना चाहते हो, दिल्ली में नहीं लेना चाहते, आप कर सकते हो दोस्तों। ऐसी चीज कंपोजिशन में आती है लेकिन वहां पर रूल अलग है, वहां क्या होता है कि या तो पूरे इंडिया में कंपोजिशन चलेगा या फिर पूरे इंडिया में रेगुलर चलेगा, लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम में ये छूट है कि आप जहां पर जो तरीका लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है? चलो तो ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को, कोई डाउट दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर। अब सुनो, एलिजिबिलिटी क्या है क्यूआरएमपी स्कीम का, कितने भी रजिस्टर्ड जो पर्सन होते हैं ना, अब रजिस्टर्ड पर्सन में देखो यहां पर एक फुटनोट है, क्या? अदर देन सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, जो लोग OIDAR की सर्विस देते हैं, यू नो वेरी वेल, इंटर वाले स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ेंगे OIDAR को, क्योंकि ये उनके कोर्स में नहीं है, ठीक है भाई? तो जो लोग OIDAR का, जो CA इंटर वाले हैं उनके कोर्स में नहीं है, तो जो लोग OIDAR का सर्विस देते हैं उन सप्लायर्स को छोड़ दो, जो लॉकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस टू ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट इन इंडिया, जो फाइनल वाले हैं वो जानते हैं, उनको पढ़ाया हुआ है ये OIDAR सर्विस। तो जो सप्लायर OIDAR की सर्विस देते हैं इंडिया के बाहर से, इंडिया में किसी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को, उनको छोड़कर, मतलब ये लोग क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले सकते, मना है इन लोगों के लिए, मना है। तो देखो यही लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब नीचे समझा दिया आपको, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट, एंड हु हैव ऑप्टेड टू फर्निश क्वार्टरली रिटर्न अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम अभी हम पढ़ी रहे हैं, रूल 61A में आई है, एज द क्लास ऑफ पर्सन हु शैल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। जब आप ये वाली स्कीम लोगे तो जनवरी 2021 से लोगे, क्योंकि ये स्कीम आई 1 जनवरी 2021 से, तो जनवरी 21 से आपका रिटर्न क्वार्टरली जाएगा अगर आप इस स्कीम को लेते हो, और आप जो टैक्स जमा कराओगे ना दोस्तों वो आपको मंथली जमा कराना पड़ेगा, राइट? अच्छा, टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, फॉर कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर डिटेल्स फर्निश इन द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर शैल बी टेकन। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है भाई, 5 करोड़ का टर्नओवर था या नहीं था, ये लास्ट ईयर की रिटर्न से तो पता चलेगा, उससे आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम और नॉट। सिस्टम क्या करेगा, आपका लास्ट ईयर का जो रिटर्न फाइल हुआ है ना, उसके डेटा के बेस पर आपके एग्रीगेट टर्नओवर पर आपको वहां पर पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर आपको बता देगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर दिस स्कीम। कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन क्या है, देखो आप इस स्कीम को ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉट आर द कंडीशन एंड वॉट आर द रेस्ट्रिक्शन। तो क्यूआरएमपी स्कीम तो समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया, तो क्यों लेकर आए, रिटर्न क्वार्टरली जाएगी लेकिन टैक्स का पेमेंट मंथली हो, चाहे वो जीएसटी आर वन हो या थ्री बी हो, दोनों क्वार्टरली जाएंगे, साल में 12 times की जगह 4 times जाएंगे लेकिन टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस पर होगा। अच्छा, व्हाट आर द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, रजिस्टर्ड पर्सन जो क्यूआरएमपी स्कीम को लेता है मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन।
कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो क्यूआरएमपी स्कीम को लेता है उसको रिटर्न फर्निस करना जरूरी है प्रीसीडिंग मंथ की। मतलब आप जिस दिन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे ना क्यूआरएमपी 1 जनवरी 21 के बाद से कर सकते हो, तो पिछले पीरियड का जो भी रिटर्न है वो आपका फाइल होना चाहिए। अगर पिछले पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं है तो आप इस स्कीम में चाहे एलिजिबल थे लेकिन आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझ में आए। सपोज करो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्यूआरएमपी स्कीम जुलाई से सितंबर के लिए लेना चाहता है। वैसे तो जनवरी से ले सकता था लेकिन वो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से लेना चाहता है। तो जब भी वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, मान लो वो 27 जुलाई को ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो ही मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जून का रिटर्न उसका फाइल होना चाहिए। अच्छा, जून का रिटर्न कब तक जाएगा? 22 या 24 जुलाई तक जाएगा एज द केस मे बी। तो अगर आप जुलाई से सितंबर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को लेना चाहते हो, सपोज आप 27 जुलाई को लेना चाहते हो, तो आपको 22 या 24 जो भी रिटर्न का ड्यू डेट होता है जून वाले मंथ का, वो आपका जमा होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। मतलब पहले वाला सारा काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर क्यूआरएमपी स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर। अच्छा, मतलब आपको बार बार सरकार को ये नहीं कहना पड़ेगा हर क्वार्टर में कि हम क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो दे शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। ऑटोमेटिकली आप क्यूआरएमपी में आ जाओगे। वो एक अलग बात है कि आपने फ्यूचर टैक्स पीरियड में फिर से चेंज किया हो ऑप्शन, वो एक अलग मैटर, वरना एक बार अगर ऑप्शन ले लिया तो फिर आप क्यूआरएमपी में चलोगे। पक्का समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, आ रहा है। तो ये जो अमेंडमेंट मैं रिटर्न वाले चैप्टर की बता रहा हूँ भाई, ये आप उसमें मत करना अपने नोट्स में। कारण क्या है? क्योंकि ये तो स्कीम ही नहीं है ना, इसको आप उसमें कैसे करोगे? हाँ, ये कर सकते हो भाई, इसका प्रिंट निकलवा लिया और ये पेज आपने रिटर्न वाले जो नोट्स है उनके साथ अटैच कर दिए, ये काम आप कर सकते हो ताकि सारा काम एक जगह हो जाए, राइट? तो ये बात आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम रूल 61A। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है? क्यूआरएमपी का जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कैसे किया जाए? तो इस बात को समझो। रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर एनी क्वार्टर shall indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis from first day of the second month, first day of the second month of preceding quarter till the, मतलब पिछले क्वार्टर का जो दूसरा महीना था, पिछले क्वार्टर का जो दूसरा महीना था उसके फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, बात बहुत जल्दी समझ में आई। सपोज आप जुलाई से लेकर सितंबर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को एक्सरसाइज करना चाहते, ठीक है, जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है उसके लिए दोस्तों आप क्यूआरएमपी स्कीम को एक्सरसाइज करना चाहते, तो बताओ कब से करोगे? पिछले क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर का सेकंड मंथ का पहला दिन। बताओ लास्ट क्वार्टर कौन सा है? बताओ मुझे यहां पर लास्ट क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल, मई, जून। इसमें दूसरा महीना कौन सा है? मई। तो एक मई से आप इस ऑप्शन को ले सकते हो, और जिस महीने में ले रहे हो, जुलाई से सितंबर, जिस मंथ में ये ऑप्शन ले रहे हो उसमें पहला महीना, तो पहला महीना जुलाई है, उसका लास्ट डे मतलब 31 जुलाई। तो 1 मई से लेकर और 31 जुलाई के बीच में ही
आप QRMP स्कीम को एक्सरसाइज कर सकते हो कौन से मंथ क्वार्टर के लिए, जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर, जुलाई से सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसके लिए अगर आप QRMP स्कीम लेना चाहते हो, बिकॉज लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट मोर देन 5 करोड़, तो जुलाई से सितंबर के लिए ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की रेंज क्या रहेगी, पिछले क्वार्टर का सेकंड महीने का पहला दिन मतलब 1 मई, और करंट जो क्वार्टर है जिसमें ऑप्शन ले रहे हो उसमें पहले महीने का लास्ट डे मतलब जुलाई का लास्ट डे 31 जुलाई, तो 1 मई से 31 जुलाई के बीच में ही आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर वेयर ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज वंस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड, एक बार अगर ले लोगे तो फिर बार बार ऑप्शन नहीं लेना, फिर आप चलते जाओगे क्वार्टरली। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप बीच में इनएलिजिबल हो गए, सपोज करो टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया तो इनएलिजिबल हो गया, या सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया, या आपने खुद ही कह दिया कि नहीं जी मैं तो मंथली बेसिस पर ही करूंगा रिटर्न फाइल, मुझे QRMP स्कीम अच्छी नहीं लगती, तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज आप चलते रहोगे, है ना, चलते रहोगे। समझ में आ रहा है आपको QRMP स्कीम? देखो मुझे लग रहा है इस बार QRMP स्कीम पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लो मुझे अक्टूबर से लेके दिसंबर के लिए करना है ऑप्शन एक्सरसाइज अक्टूबर से दिसंबर के, तो कहां से कहां तक करोगे बताओ जल्दी से, पिछला क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर के लिए पिछला क्वार्टर कौन सा होगा, जुलाई से लेके सेप्टेम्बर, तो इसमें दूसरा महीना अगस्त आएगा जुलाई के बाद, तो 1 अगस्त से लेकर, और इसमें करंट में जो फर्स्ट वाला महीना है मतलब अक्टूबर, अक्टूबर की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, तो 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट, समझ में आया? यस सर, समझ में आया। ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम टू लैप्स, सुनो, इन केस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस 5 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल, देखो लास्ट ईयर का तो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी आप इस स्कीम में आ सकते हो, लेकिन अगर करंट ईयर में भी, ध्यान से सुनो, जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी अगर किसी भी क्वार्टर के बीच में आपका साल का एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है, अगर वो 5 करोड़ क्रॉस हो गया तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, ही शैल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन मंथली बेसिस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़। कहने का मतलब ये है अप्रैल मई जून आप QRMP स्कीम अडॉप्ट कर चुके थे, जुलाई अगस्त सितंबर, अब ये था सपोज करो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, ये था आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, अप्रैल मई जून तक तो आपका 3 करोड़ हुआ एग्रीगेट टर्नओवर, जुलाई अगस्त सितंबर में जाते जाते अगस्त में ही ये 6 करोड़ हो गया, मतलब 0 से 3 और फिर 0 से 6, 0 से 3 हुआ करंट ईयर में और फिर जुलाई अगस्त में ही 6 करोड़ क्रॉस हो गया, तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर में तो आपका रिटर्न क्वार्टरली जाएगा, लेकिन जो अगला क्वार्टर आएगा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यहां से आप मंथली रिटर्न भरोगे अक्टूबर की नवंबर की दिसंबर की, जिस मंथ में जिस क्वार्टर में क्रॉस करेगा ना 5 करोड़ उस क्वार्टर में तो आपका क्वार्टरली रिटर्न ही जाएगा, उसके लिए वो नहीं बोल रहा, लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा आएगा बताओ, जुलाई अगस्त सेप्टेंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा,
तो ये जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें आपका क्वार्टरली रिटर्न भरने का फैसिलिटी खत्म। अब आपका रिटर्न मंथली जाएगा यहाँ से, अब आपका रिटर्न मंथली जाएगा। तो द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट द स्कीम फॉर ए क्वार्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे। यहां तक तो समझ में आ गया, ऊपर तक ये कहानी तो समझ में आ गई। यहां तक कोई डाउट है किसी को कि अगर किसी भी क्वार्टर में 5 करोड़ क्रॉस होता है करंट ईयर में, तो उस क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आता है ना दोस्तों, उस नेक्स्ट क्वार्टर से आप ऑटोमेटिकली मंथली स्कीम के अंदर आ जाते हो, मंथली स्कीम। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे आप स्कीम के अंदर ऑप्ट इन हुए थे, देखो पहले मैंने आपको ऑप्ट इन करवाया था, ऑप्ट इन, इसको हम बोलेंगे ऑप्ट इन। तो अगर आप स्कीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हो, ये तो ऑप्ट इन था। कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऑप्ट आउट होना चाहेंगे, जैसे एग्जाम में होते हैं ना ऑप्ट आउट, ऐसे स्कीम से ऑप्ट इन की जगह क्या होना चाहोगे, ऑप्ट आउट। तो आप स्कीम से ऑप्ट आउट हो सकते हो क्या? हाँ हो सकते हैं। कब से कब तक हो सकते हैं? वही सेम टाइम पीरियड है। द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम फॉर अ क्वार्टर विल बी अवेलेबल From first day of the second month, first day of the second month of preceding quarter, first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter, same वो का वही provision। ये देखो, जैसे suppose करो मैं अप्रैल मई जून में तो QRMP scheme में था, इसी example को लेते, और मैं जुलाई अगस्त सितंबर में ऑप्ट आउट करना चाहता हूं कि नहीं साहब, मुझे चाहे मेरा 5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो ऑप्ट आउट करना है, इस स्कीम से बाहर निकलना है। तो अगर मैं जुलाई से मंथली स्कीम अडॉप्ट करना चाहता हूं, तो मैं कब से कब तक कर सकता हूं? वही सेम वाली बात है, पिछला जो क्वार्टर है, जैसे मैं जुलाई अगस्त सितंबर में ऑप्ट आउट करना चाहता हूं, तो जो मेरा पिछला क्वार्टर है उसका सेकंड मंथ का पहला दिन, बोलो सेकंड मंथ का पहला दिन कौन सा होएगा? 1 मई होएगा। और जिस मंथ में, जिस क्वार्टर में ऑप्ट आउट करना चाहते हो, उसके पहले महीने का लास्ट डे, तो जैसे जुलाई पहला महीना है, तो उसका लास्ट डे है 31 जुलाई। तो ये जो 1 मई से लेकर और 31 जुलाई है ना, मई जून और जुलाई, इसके अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ये वो पीरियड है दोस्तों जब आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ऑप्ट इन करने का समय और ऑप्ट आउट करने का समय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सेम है। आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर भी डाउट रहता है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, पूरा मैसेज करें। इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। What is the form and manner of furnishing details of outward supply? Form and manner of furnishing details of outward supply, GSTR-1। ये जो GSTR-1 होता है, पता है GSTR-1 किसके लिए होता है? पता ही आपको पढ़ाया था मैंने। Details of outward supply का डिटेल जाता है GSTR-1। तो दोस्तों जब आप QRMP स्कीम लेते हो, देखो वैसे तो GSTR-1 मंथली भी जाता है और क्वार्टरली भी जाता है, अकॉर्डिंग टू, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप QRMP लोगे तो क्वार्टरली जाएगा, और अगर QRMP नहीं लोगे तो मंथली जाता है ये GSTR-1। अब दोस्तों यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि रेसिपिएंट को हर महीने क्रेडिट मिल पाए, जो रेसिपिएंट होता है उस रेसिपिएंट को हर महीने क्रेडिट मिल पाए, उसके लिए इन लोगों ने एक नया फैसिलिटी स्टार्ट किया, और उस नया फैसिलिटी का नाम क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या नाम है उसका? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग IFF बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझ कर जाना है, पढ़कर जाना है, एग्जाम में IFF पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं जो भी अभी वीडियो अपलोड करूंगा वहां मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक, वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा इसका PDF, तो आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं।
टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम में फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई। जितने भी टैक्स पेयर होते हैं जो ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम है, वो अपनी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ई में कंसीडर नेसेसरी। देखो उनका क्या होगा, जब QRMP स्कीम लोगे तो GST R1 तो आप क्वार्टरली फाइल करोगे, लेकिन सामने वाले को तो क्रेडिट तभी मिलेगा ना जब कुछ मंथली सबमिट हो। तो सरकार बोली कि जो पहला महीना है और जो दूसरा महीना है क्वार्टर का, जैसे अप्रैल से जून तक का क्वार्टर है, ठीक है, तो पहला महीना अप्रैल, दूसरा महीना मई, तो अप्रैल में और मई में आप क्या करो, अप्रैल का IFF फर्निश करो, जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो, है ना, आउटवर्ड सप्लाई जो भी आप दे रहे हो। अच्छा एक बात बताऊं दोस्तों, सामने वाले रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलता है, जब आपका सप्लाई B2B होता है तभी सामने वाले को क्रेडिट मिलता है। अगर आपका सप्लाई B2C है तो सामने वाले को ITC चाहिए ही नहीं। तो जब सामने वाले को ITC रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप उसके लिए हर महीना रिटर्न या इनवॉइस भी क्यों फर्निश करोगे। ये सुविधा, ये फैसिलिटी इसीलिए एप्लीकेबल की गई है कि सामने वाले को हर महीना क्रेडिट मिल जाए। तो जो B2B वाले ट्रांजेक्शन है आपके, अब वो आपसे इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि आप सारा डेटा क्वार्टरली फर्निश करते थे, तो उनको जो इनपुट होती थी वो हर महीने ना मिलके क्वार्टर के एंड पे मिलती, क्वार्टर खत्म होने के बाद मिलती। तो सरकार बोली भाई रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, एक तो पेमेंट मंथली होगा, दूसरी बात पता कैसे चलेगा कि आपने किस किस को माल बेचा मंथ में, क्योंकि वो डिटेल तो आप क्वार्टर के बाद दोगे तो ITC कैसे मिलेगा। तो सरकार बोली कि जो भी आउटवर्ड सप्लाई आपने रजिस्टर्ड पर्सन को की है, मतलब B2B, तो वहां आप क्वार्टर के एंड में तो चलो 3B फाइल कर दोगे, जैसे अप्रैल मई जून में, जून खत्म होते ही GST R1 भी चला जाएगा, 3B भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अप्रैल और मई में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है, उसमें अगर आपने सप्लाई B2B करी है, रजिस्टर्ड पर्सन को करी है, तो आप उसको क्रेडिट कैसे दिलवाओगे अप्रैल और मई में जो आउटवर्ड सप्लाई हुई। तो सरकार बोली उसके लिए हम एक नई फैसिलिटी लाए हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग IFF बोलते हैं, IFF, इनवॉइस प्रिटेनिंग टू लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन GSTR। ये जो IFF फैसिलिटी होती है ना दोस्तों, ये किसी भी क्वार्टर के लास्ट मंथ का फर्निश नहीं करना पड़ता, और बट ऑब्वियस करेंगे भी क्यों, जैसे अप्रैल और मई में प्रॉब्लम है, जून में तो फिर जून खत्म होती है, आप GSTR1 भरोगे तो ऑटोमेटिकली जून का डेटा जो आपने सेल किया आउटवर्ड वो चला जाएगा GSTR1 में और फिर 3B में। तो IFF फैसिलिटी उन दो महीनों के लिए है जो क्वार्टर का पहला महीना है, क्वार्टर का दूसरा महीना है, क्वार्टर का जो तीसरा महीना होता है थर्ड मंथ, उसके लिए IFF का जरूरत नहीं है, फिर तो आपका GSTR1 और 3B फर्निश होना ही है। तो सरकार बोली इनवॉइस प्रिटेनिंग टू द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन GSTR1 ओनली, उसके लिए IFF फर्निश नहीं करना है। आपको लॉजिकली भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद सुनो, द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस इन IFF, आप हर महीने जो सप्लाई B2B कर रहे हो तो रिटर्न तो क्वार्टर एंड पे जाएगी, लेकिन आप उन बिलों को चढ़ा दो, सिस्टम एक्सेप्ट करेगा IFF के थ्रू। अच्छा जैसे ही सप्लायर IFF फैसिलिटी से इनवाइस फर्निश करेगा, B2B करेगा, जो रेस्पेक्टिव रेसिपिएंट हैं जिनको आपने B2B सप्लाई की है, तो जो सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट, उसको ये इंफॉर्मेशन 2A और 2B में दिख जाएगी। अब आप कहोगे सर ये 2A और 2B क्या है, तो आपको पता ही है 2A और 2B, जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई होती है उसका जो क्रेडिट होता है वो आपको 2A और 2B में दिखता है। अच्छा 2A और 2B में तभी रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, जब उधर से सप्लायर इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा।
तो अब तो क्वार्टरली रिटर्न वालों का भी दिख जाएगा आपको, क्यों? क्योंकि वो हर महीने आईएफएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, तो कंसर्न रेसिपिएंट को दिखेगा। इन केस वेयर अ बायर हैज मेड परचेज फ्रॉम अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, ही कुड नॉट अवेल क्लेम फुल ITC, बट ड्यू टू इंट्रोडक्शन IFF, पहले क्या होता था दोस्तों, रिटर्न मंथली क्वार्टरली जाती थी, तो हर मंथ की जो आउटवर्ड सप्लाई के बिल थे वो चढ़ते ही नहीं थे, तो सामने रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन IFF फैसिलिटी के आने से अब क्रेडिट मिलना शुरू हो गया है रेसिपिएंट। Such delay will not occur as the details submitted under IFF will be reflected in GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 4A और GSTR 6A। इंटर वाले इनको ना पढ़े 4A और 6A को, उनका तो 2A और 2B पढ़ना है उनको, तो रेसिपिएंट को दिख जाएंगे, तो सामने वाला उसको IFF से चढ़ाएगा और सामने रेसिपिएंट को दिखेगा 2A में, 2B में, 4A में या 6A में, as the case में। सर एक बात बताओ, क्या सप्लायर के लिए IFF को फॉलो करना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, सरकार ने एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी है, क्योंकि सरकार को तो क्या नुकसान है, सरकार को तो टैक्स मिलेगा ही हर महीना, लेकिन वो जो सामने रेसिपिएंट है वो आपके ऊपर चिल्लाएगा, तो बेटर है कि उसको सेटिस्फाई रखने के लिए आप IFF फैसिलिटी को यूज करो। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करोगे उसके लिए IFF का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं चाहिए ना, तो हर महीना डिटेल क्यों देना है, ठीक है? सो एट हिज ऑप्शन रजिस्टर्ड पर्सन में चूज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ क्वार्टर इन फॉर्म GSTR 1 ओनली विदाउट यूजिंग IFF। अगर कोई ये कहता है नहीं सर मैं तो हर महीने नहीं, मैं तो क्वार्टर के एंड में GSTR 1 फर्निश करूंगा, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा रेसिपिएंट चिल्लाएगा तेरे ऊपर, क्योंकि उसको ITC मिलेगा नहीं, है ना, तो इसलिए ये फैसिलिटी है, तो ऑप्शन है। अच्छा एक सच्चाई और है दोस्तों, सपोज करो आपने IFF फैसिलिटी ले कि भाई मैं तो अपने इनवॉइस अपलोड करूंगा, तो आप वो इनवॉइस कहां तक अपलोड कर सकते, अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। देखो मैं समझाता हूं, जैसे ये पहला महीना है क्वार्टर का और ये दूसरा महीना है क्वार्टर, जैसे मान लो आपका क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून, तो आप अप्रैल में IFF फर्निश करोगे, मई के अंदर IFF फर्निश करोगे, जून में नहीं करना है क्योंकि उसमें तो GSTR 1 फाइल होगा, तो इन 2 महीनों में आप IFF जो है वो फर्निश करो, तो कितना फर्निश कर सकते हो, कितने भी बिल करोगे B2B वाले ही, लेकिन क्या कोई अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन है? हाँ है, क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख इन ईच ऑफ द मंथ्स, मतलब अप्रैल में 50 लाख और मई में 50 लाख। क्यूमुलेटिव इसलिए बोला भाई, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी आपने माल बेचे B2B के, अब सपोज करो आपने अप्रैल में 70 लाख का माल बेचा B2B, तो क्या आप 70 लाख के IFF फर्निश कर सकते हो? दोस्तों जल्दी से बताओ, क्या आप 70 लाख के कर सकते हो? नहीं, आप मैक्सिमम 50 के कर सकते हो, तो सर फिर वो जो 20 लाख वाला है वो उसको तो ITC नहीं मिलेगा, तो सरकार ने बोला भाई सारे बायर को थोड़ी टाइम पर क्रेडिट चाहिए होता है, जो ज्यादा चिक चिक करते हैं, सपोज तुम्हारे 10% रजिस्टर्ड है जिनको तुम माल बेचते, उनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो ज्यादा चिक चिक करते हैं, तो 50 लाख में पहले उनको सट्टा हो ताकि वो बोलना बंद करे, 2 तो बेचारे भोले भंडारी है, वो तो क्वार्टर के बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो अगर आपका B2B सप्लाई किसी क्वार्टर के महीने में 50 लाख से ज्यादा है, तो आप यहां पर IFF जो फर्निश करोगे वो हर महीने के लिए ईच मंथ लिखा है 50 लाख कर सकते हो, क्यूमुलेटिव मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ऐसे ही मई के लिए भी 50 लाख कर सकते हो, मई के लिए भी आप लोग जो है मैक्सिमम 50 लाख कर सकते हो,
ठीक है भाई, अगर मान लो आपका मई के अंदर बी टू बी 40 लाख ही हुआ है, तो क्या आईएफएफ पूरा 40 का कर सकते हो? ना कर सकते हो। अच्छा मैं 40 में से भी मान लो 10 ही करना चाहता हूँ, मेरा सप्लाई तो बी टू बी है, तो 10 कर लो, ऑप्शन है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये जो लिमिट है भाई ये 50 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। अच्छा जून में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जून का तो आईएफएफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो जीएसटीआर बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो भाई, समझ में आया आपको? हाँ सर आया, तो एक बार पढ़ोगे तो और आ जाएगा, एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर। ये जो आईएफएफ होता है भाई, इसको कब तक फर्निश करना पड़ता है? तो सुनो, आईएफएफ फर्निश करना पड़ता है बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल द 30th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मतलब जैसे अप्रैल का करोगे आईएफएफ, तो 1 से लेके 13 मई, मई का करोगे मई का तो 1 से लेके 13 जून, और जून के बाद जुलाई का, तो सॉरी अप्रैल मई का चला गया, और जून का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जून का तो जीएसटीआर वन फर्निश होता है। तो जिस महीने का आपको आईएफएफ फर्निश करना है, अगले महीने की 1 से 13 तारीख तक कर सकते हो। आफ्टर 30th ऑफ द मंथ, सर अगर मान लो मुझे अप्रैल का आईएफएफ फर्निश करना है, तो मैं कब तक कर सकता हूँ? 1 से 13 मई तक कर सकता हूँ। सर 13 मई तक नहीं कर पाया, तो क्या 14 मई को कर सकता हूँ? नहीं। 15 को कर सकता हूँ? नहीं। 16 को कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता, फिर नहीं कर पाऊंगा। आफ्टर 30th ऑफ द मंथ द फैसिलिटी फॉर आईएफएफ फॉर प्रीवियस मंथ वुड नॉट बी अवेलेबल। ठीक है। अच्छा मई के अंदर फिर आप अप्रैल वाला नहीं कर सकते, मई में फिर मई वाला आप 1 से 13 जून कर सकते हो, 13 जून के बाद मई वाला भी नहीं होगा, फिर तो वो आपको गया, वो फिर आपका जून के अंदर जब जीएसटीआर बन जाएगा क्वार्टरली, तब आप करो उसको। तो आईएफएफ फैसिलिटी अगले महीने का 1 से 13 तारीख तक फर्निश करना पड़ता है, अगर उस पीरियड में नहीं करते हो तो उसके बाद कर भी नहीं पाओगे। यही बात दोस्तों नीचे फुटनोट पे लिखी है, दिस इज अ फैसिलिटेशन मेजर, कंटिन्यूअस अपलोड ऑफ इनवॉइस वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड, लेकिन वो 1 से 13 तारीख तक है। आप मतलब ये लॉ ये कहना चाह रहा है, जैसे किसी का काम बहुत बड़ा है, अब अप्रैल की ड्यू डेट 1 से 13 मई है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहो तो 1 अप्रैल से कंटिन्यूअसली बिल अपलोड कर सकते हो और 13 मई तक कर सकते हो। वैसे तो लोग अप्रैल की बात करेंगे, 13 दिन मिलते हैं, लेकिन किसी का अगर काम बड़ा है तो वो डेली बेसिस पर भी कर सकता है। देखो लिखा भी है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टिल 30th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब अप्रैल का है तो 1 अप्रैल से शुरू कर लो, 13 मई तक भी कर सकते हो, नहीं तो अप्रैल खत्म होने के बाद कर लेना 13 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जुलाई के लिए जैसे मैंने बताया ये होगा, और अगर अगस्त के लिए करोगे तो ये वाला टाइम होगा। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस फर्निश यूजिंग आईएफएफ इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अगेन इन जीएसटीआर। बात बिल्कुल सही है। अप्रैल का आपने आईएफएफ फर्निश कर दिया 1 से 13 मई तक, मई का आपने आईएफएफ फर्निश कर दिया 1 से 13 जून तक, तो बताओ भाई जब जुलाई का मैं जीएसटीआर वन फाइल करूंगा क्वार्टर एंडेड, अप्रैल में और जून का जब मैं जीएसटीआर वन फाइल करूंगा जुलाई में, तो क्या मुझे अप्रैल और मई में जो मैंने आईएफएफ का डिटेल फर्निश किया है बी टू बी वाला, क्या वो मुझे दोबारा जीएसटीआर वन में चढ़ाना पड़ेगा? नहीं, दोबारा चढ़ाओगे तो डबल हो जाएगा, डेटा का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो जो डिटेल आपने अप्रैल और मई में आउटवर्ड सप्लाई की आईएफएफ के थ्रू फर्निश कर दी है, जो डिटेल आपने अप्रैल और मई की आईएफएफ के थ्रू फर्निश कर दी है, वो डिटेल जून के बाद जब जीएसटी आर वन भरोगे तो उसमें दोबारा फर्निश नहीं करनी, उसमें दोबारा फर्निश नहीं करनी है। ये देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल द क्यूआरएमपी स्कीम वांट्स टू डिक्लेयर 2 इनवॉइसेस आउट ऑफ द टोटल 10 इनवॉइसेस इशूड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर,
दस में से दो बिल आप दिखाना चाहते हो आईएफएफ के थ्रू, जिससे रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जावे मंथली बेस पर, आपने दिखा भी दिया। द डिटेल्स ऑफ द रिमेनिंग 8 इनवॉइसेज कब दिखाओगे? जब उस क्वार्टर का जीएसटी आर1 भरो। अप्रैल में 10 में से आपने दो बिल दिखा दिए आईएफएफ, 8 बिल नहीं दिखाए, तो जब जून खत्म होने के बाद जीएसटी आर1 जाएगा तब आप उन 8 का डेटा चढ़ा देंगे। द टू इनवॉइसेज फर्निश्ड इन आईएफएफ शैल बी रिफ्लेक्टेड इन 2B ऑफ द कंसर्न्ड रेसिपिएंट। जो दो बिल आपने आईएफएफ के थ्रू चढ़ा दिए हैं अप्रैल महीने के, वो कंसर्न्ड रेसिपिएंट को दिख जाएंगे 2B के अंदर ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, अप्रैल वाले दिख जाएंगे। रिमेनिंग 8 इनवॉइस जीएसटी आर1 भरने के बाद सामने वाले को 2B में रिफ्लेक्ट। तो जो दो बिल आपने आईएफएफ के थ्रू फर्निश किए हैं वो तो अप्रैल के बाद मई में दिख जाएंगे रेसिपिएंट को, लेकिन जो 8 बिल आप बाद में दिखाओगे जीएसटी आर1 में, वो अप्रैल मई जून के बाद जुलाई में रेसिपिएंट को दिखेंगे, तब वो उसका आईटीसी देगा, लेकिन दोबारा नहीं दिखाना है, ध्यान रखना इस बात, दोबारा नहीं दिखाना, जो आईएफएफ में दिखा दिया उस आउटवर्ड सप्लाई को दोबारा जीएसटी आर1 में नहीं दिखा। इन द आईएफएफ टैक्सपेयर हैज टू सबमिट द बी2बी ट्रांजैक्शन, सही बात है, वेदर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, अलोंग विद डेबिट और क्रेडिट नोट आल्सो। कई बार होता है ना कि कोई सेल और परचेज रिटर्न होती है तो वो भी आईएफएफ के थ्रू दिखाते हैं, मतलब जो चीज आप जीएसटी आर1 में दिखाते थे आउटवर्ड सप्लाई, वो अब आपको आईएफएफ के थ्रू दिखाना है, वेदर उसमें डेबिट और क्रेडिट नोट ही क्यों ना हो, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश अंडर आईएफएफ शैल इंक्लूड इंटर और इंट्रा इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, जो कि बी2बी है, डेबिट और क्रेडिट नोट भी ऐसे ही इशू होंगे। हाउएवर इफ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट ऑप्ट टू अपलोड इनवॉइस यूजिंग आईएफएफ, अगर रजिस्टर्ड पर्सन आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस को अपलोड नहीं कर पाए, then he has to upload the invoice details for all the 3 months of the quarter. तो फिर अगर मान लो अप्रैल मई में कोई रह गया invoice नहीं चढ़ा, तो अप्रैल मई जून के बाद जब आप जीएसटी आर1 फर्निश करोगे तो उसमें चढ़ा देना, उसमें चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपलोड कर देना। और जीएसटी आर1 में तो आउटवर्ड डेटा कैसे जाता है पता ही है आपको, इनवाइस वाइज डिटेल जाती है, जो बी2बी सप्लाई होती है, जो सप्लाई बी2बी होती है रजिस्टर्ड पर्सन को होती है, उसमें तो चाहे इंटर हो या इंट्रा हो आपको एक एक इंडिविजुअल डिटेल चढ़ानी पड़ती है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड वाली डिटेल होती है वो हमेशा कंसोलिडेटेड जाती है। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था कि अनरजिस्टर्ड में अगर आप इंटर सप्लाई करते हो, अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर आप इंटर सप्लाई करते हो और किसी भी इनवॉइस का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, एक तो अनरजिस्टर्ड को माल बेचो, दूसरा सप्लाई इंटर स्टेट हो और इनवाइस का वैल्यू अगर 2,50,000 से ज्यादा होता है तो वो आपको वहां पर इंडिविजुअली दिखाना पड़ता है, ठीक है। बस ये एक एक्सेप्शन है अनरजिस्टर्ड की केस में जो आपको इंडिविजुअल दिखाना होता है, बाकी आप अनरजिस्टर्ड को जो भी माल बेचोगे भाई उसका कंसोलिडेट डेटा जाए, कंसोलिडेट डेटा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट वो सब पता ही है आपको। अगला पॉइंट, cases where registered person shall not be allowed to furnish details of outward supply in GST R1 or IFF. मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जब किसी registered person को department furnish नहीं करने देगा outward supply की detail, या तो GST R1 में या IFF में, कब वो furnish नहीं करने देगा? आखिर दोस्तों registered बंदा अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो डिटेल होती है उसको जीएसटी आर1 में या आईएफएफ में कब फर्निश नहीं कर पाए, कब फर्निश नहीं कर पाएगा दोस्तों? यहां पर डिपार्टमेंट ने देखो थोड़ा आपके ऊपर अंकुश लगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पुराना रिटर्न पेंडिंग चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट उनसे पेंडेंसी को फुलफिल करवाने के लिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाती है, क्या, कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जीएसटी आर1 में फर्निश नहीं करेगा अगर उसका प्रीसीडिंग 2 महीने का जीएसटी आर3 भी फाइल नहीं हुआ,
तो अगर आपका पिछले 2 महीने का GSTR 3 भी फाइल नहीं है तो आप GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डेटा नहीं दे सकते, आपको रोक दिया गया। ऐसे ही अगर आप QRMP स्कीम लेकर बैठे हो तो अगर पिछले टैक्स पीरियड का मतलब पिछला क्वार्टर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, जैसे मान लो मेरा अप्रैल मई जून है, मैं QRMP स्कीम में हूँ, तो जो मेरा इससे पहले वाला टैक्स पीरियड है, तो पहले वाला टैक्स पीरियड हो गया जनवरी फरवरी मार्च, अब उसका मान लो GSTR 3 भी पेंडिंग है, वो अभी तक मैंने फाइल नहीं किया, तो मैं ये जो अप्रैल मई जून है इसमें मैं आउटवर्ड सप्लाई का डेटा फर्निश नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं अप्रैल के लिए IFA फर्निश करता नहीं कर पाऊंगा, मई के लिए करता नहीं कर पाऊंगा, जून के लिए मैं GSTR 1 फर्निश करता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिछले वाला जो क्वार्टर है भाई जनवरी फरवरी मार्च, उसकी 3B अभी तक पेंडिंग, राइट, उसकी 3B अभी तक पेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 1 और IFA इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। मान लो भाई कोई रजिस्टर्ड बंदा है, मैंने ITC में एक अमेंडमेंट आया था, आपको पढ़ाया था कि अगर आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को आप 99% से ज्यादा क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, चाहे क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हो, लेकिन आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स है उसके 99% से ज्यादा अगर आप क्रेडिट यूज नहीं कर पाते हो तो आप GSTR 1 फर्निश नहीं करोगे, IFA फर्निश नहीं करोगे, अगर आपका 3B का रिटर्न पिछले टैक्स पीरियड का बाकी है, 3B का रिटर्न अगर आपका पिछले टैक्स पीरियड का बाकी है तो भाई साहब आप नहीं कर पाओगे ये जो GSTR 1 है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इस वाले पॉइंट का कोई खास मतलब है, ये पहले वाले से कोरिलेट है। कुल मिलाकर जिसका 3B पेंडिंग होएगा ना पिछले पीरियड का, उसको हम आउटवर्ड सप्लाई का डेटा नहीं चढ़ा देंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है, जब आप आउटवर्ड सप्लाई का डेटा नहीं चढ़ा पाओगे, चाहे IFA यूज करो या GSTR 1 यूज करो, तो जब आप उसको चढ़ा ही नहीं पाओगे तो सामने जो आपके रेसिपिएंट है उनको क्रेडिट मिलेगी नहीं, तो वो सारे आपके ऊपर चिल्लाएंगे, वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, तो आप पिछले पीरियड का रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल करोगे। दैट इज द लॉजिक, ये लॉजिक मुझे लगता है। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। आप इतने सारे बच्चे देखोगे यार, एक एक जना भी कमेंट करेगा तो बाकी लोग भी भला होएगा, बाकी बच्चे भी देखते हैं कमेंट, और आपके बाकी जो ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर कर दो भाई, ताकि सबका बेनिफिट मिले। मैं चाहता हूँ ये चीज सब तक पहुंचे भाई, कर भला तो हो भला, राइट, और वो थम्स अप वगैरह दबा दोगे तो बहुत अच्छा लगता है यार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक क्लियर है सब लोगों? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर एक बार 2A और 2B के बारे में बताना चाहूंगा कि भाई ये जो 2A और 2B बेसिकली है क्या। तो अगर हम 2A और 2B को डिफाइन करें, देखो यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है ना वो 2A और 2B को लेकर हो जाता है। तो बेसिकली एक बार हम कोशिश करते हैं कि हम 2A और 2B को समझने की कोशिश करें। हो सकता है दोस्तों आप 2A के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन अगर आप 2B के बारे में नहीं जानते हो तो वो आज आपको समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को ईजी रहेगा। ठीक है, तो 2A में और 2B में बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B, मतलब जो 2A है और जो 2B है उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो हम 2A को बोलते हैं डायनेमिक स्टेटमेंट। हम जब 2A की बात करते हैं तो हम 2A को डायनेमिक स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई ये एक तरह का डायनेमिक स्टेटमेंट है। अब इसको डायनेमिक क्यों कहा जाता है,
और टू बी को स्टैटिक क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, विद एग्जांपल आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहली बात जब आप इंडिया के बाहर से आउटसाइड इंडिया, तो जब दोस्तों आप इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो, तो उसके ऊपर जो IGST होता है, जिसको हम लोग एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम बोलते हैं, अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो और सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो IGST लगेगा ही। तो भाई ये जो IGST होता है, ये जो सप्लायर है, सप्लायर कहां पर बैठा है? आउटसाइड इंडिया बैठा है। तो वो GSTR1 फाइल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा GSTR1 फाइल? वो GSTR1 को इसलिए फाइल नहीं करता है दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि वो GSTR1 क्यों नहीं फाइल करता है, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है GST में। तो जब वो व्यक्ति सप्लायर GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, तो GSTR1 जब फाइल नहीं होगा, तो यहां पर जो रेसिपिएंट है इंडिया में दोस्तों, उसे 2A के अंदर कोई भी क्रेडिट व्यू नहीं होता है ना, कोई भी क्रेडिट व्यू नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर मैं 2B की बात करूं, तो रेसिपिएंट को 2B के अंदर IGST का जो क्रेडिट है वो दोस्तों यहां पर व्यू हो जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया से कोई भी चीज अगर आप इंडिया में लेकर आए हो, तो भले ही आउटसाइड इंडिया वाला GSTR1 फाइल ना करता हो, लेकिन ICE गेट जो इंटर वाले स्टूडेंट है, वो चाहे इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। स्पेसिफिकली CA इंटर के कोर्स में ये वाला पॉइंट नहीं है। तो ICE गेट से अगर आप कोई भी सामान, तो ICE गेट क्या है, कस्टम के अंदर आपको एक ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, तो वहां से आपका जो है 2B में IGST का क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है, जो सभी लोगों को जानना जरूरी है, वो ये है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज करो दोस्तों हम इनवॉइस की बात करते हैं, मान लो दोस्तों कोई इनवॉइस है अप्रैल 2020 का है, ठीक है। तो अप्रैल 2020 का जो बेसिकली इनवॉइस होता है, ठीक है, वो जो इनवॉइस होता है अप्रैल 2020 का इनवॉइस है। अब सप्लायर क्या करेगा भाई, उसको GSTR1 में शो करेगा, ठीक है। अब GSTR1 अप्रैल का जब भी फाइल होगा, सपोज करो 11 मई को फाइल हो, या 11 मई के बाद कभी भी फाइल करे, सप्लायर GSTR1 में जब भी चढ़ाएगा अप्रैल की इनवॉइस को, मई में चढ़ा दे, जून में चढ़ा दे, जुलाई में चढ़ा दे, अगस्त में से चढ़ा दे, लेकिन वो हमेशा आपको अप्रैल 20 का जो टू है उसी के अंदर व्यू होगा। अप्रैल का इनवॉइस आप अप्रैल मंथ की GSTR1 में फाइल करो, चाहे मई मंथ की GSTR1 में फाइल करो, चाहे जुलाई में करो, अगस्त में करो, लेकिन वो जब व्यू होता है तो वो अप्रैल के 2A में ही व्यू होता है। वो कहाँ पर व्यू होता है दोस्तों, रेसिपिएंट को कहाँ पर व्यू होता है, वो अप्रैल मंथ का जो 2A है ना दोस्तों, अप्रैल मंथ का 2A, वहां पर वो आपको व्यू होता है। मतलब अगर आप जून में भरोगे, चाहे जुलाई में भरोगे, चाहे अगस्त में भरोगे, हमेशा वो अप्रैल के 2A में व्यू होगा। रेसिपिएंट को कहाँ व्यू होगा, अप्रैल का जो 2A है ना, अप्रैल का 2A उसके अंदर व्यू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं 2B की बात करूं, अगर मैं यहां पर 2B की बात करूं, तो जैसे अप्रैल 2020, तो अप्रैल 2020 का सप्लायर जब भी GSTR1 फाइल करेगा, अगर वो अप्रैल वाला उसको टाइम से फाइल कर देता है, ठीक है,
तो वो उसको कभी भी, मतलब अगर मान लो उसने अप्रैल का GSTR 1 टाइम से फाइल कर दिया, उसने 11 मई को फाइल कर दिया, तो 11 मई को फाइल करने का मतलब ये है कि वो फिर अप्रैल 11 मई के बाद वो 12 मई को व्यू होगा 2B में, ठीक है? वो 2B में कब व्यू होगा? 12 मई को। अगर आप 11 मई तक GSTR 1 चढ़ा देते हो तो रेसिपिएंट को वो मई के उसमें व्यू होगा। अगर आप उसको 13 मई को चढ़ाओगे तो फिर वो 13 मई को चढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आपने जो है उसको टाइमली चढ़ा दिया है, अगर आपने मान लो 12, 13, 14, 15, 11 मई के बाद कभी भी चढ़ाया तो वो जब मई मंथ का 2B होगा उसमें व्यू होगा। मतलब है वो इनवॉइस अप्रैल का, दोस्तों है वो इनवॉइस अप्रैल का, लेकिन GSTR 1 में आप उसको जब भी चढ़ाओगे उस मंथ के 2B में व्यू होता है। जैसे आपने अप्रैल का इनवॉइस जो है जुलाई में जाकर चढ़ाया तो जुलाई का जो 2B जनरेट होगा उसमें वो रेसिपिएंट को व्यू होता है। लेकिन 2A में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे अप्रैल का इनवॉइस है, आप उसको जुलाई में भी चढ़ाओगे तो वो अप्रैल के 2A में व्यू होता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई ITC किसके बेस पे लेना चाहिए रेसिपिएंट को, 2A के बेस पर लेना चाहिए या 2B के बेस पे लेना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो रेसिपिएंट होएगा वो क्रेडिट किसके बेसिस पर लेगा, 2A के बेसिस पर लेगा या 2B के बेसिस पर लेगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये जो 2A है दोस्तों, ये जो 2A है ना, 2A, इस 2A के अंदर एक खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो डेट ऑफ इनवॉइस होती है, डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बेस पर जो डेटा है वो पॉपुलेट होता है। डेटा जो पॉपुलेट होता है वो डेट ऑफ इनवॉइस के बेस पे होता है, ठीक है? डेट ऑफ इनवॉइस जो रिटर्न पीरियड है, रिटर्न का जो पीरियड है उसके बेस पर वो डेटा पॉपुलेट होता है रेसिपिएंट को। जैसे अप्रैल का अगर आप कोई भी बिल चढ़ाते हो तो चाहे आप उसको अप्रैल की GSTR 1 में चढ़ाओ, चाहे मई की GSTR 1 में चढ़ाओ, चाहे आप उसको जून की GSTR 1 में चढ़ाओ, वो हमेशा अप्रैल का जो 2A है उसी में व्यू होगा रेसिपिएंट को। मतलब वहाँ डेट ऑफ इनवॉइस इंपॉर्टेंट होता है, जो रिटर्न पीरियड है अप्रैल वो इंपॉर्टेंट होता है। चाहे चढ़ाओ नवंबर में तो भी वो अप्रैल में ही व्यू होगा। जबकि दोस्तों अगर मैं 2B की बात करूं तो 2B में जो है डेटा बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग, बेस्ड ऑन रिटर्न फाइलिंग वो डेटा पॉपुलेट होता है। जैसे अप्रैल का अगर मान लो कोई इनवॉइस है और आप उसको जुलाई के GSTR 1 में चढ़ाओगे तो वो जुलाई की 2B में व्यू होगा, वो अप्रैल की 2B में व्यू नहीं होगा, वो जुलाई की 2B में व्यू होगा। जैसे आप अप्रैल का डेटा अगर मान लो लेट अगस्त में चढ़ाते हो तो वो अगस्त की 2B में व्यू होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहां पर क्रेडिट किसके बेसिस पर लेना चाहिए, किसको बेस बनाना चाहिए, जब हम GSTR 3B फाइल करेंगे, जो हम रिटर्न भरते हैं ना, फाइनल रिटर्न 3B पता है आप लोगों को, तो उसमें जो क्रेडिट है वो किसके बेसिस पर लेना चाहिए, क्रेडिट किसके बेसिस पे लेना चाहिए, 2A के बेसिस पर लेवें या 2B के बेसिस पर लेवें। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखो प्रॉब्लम क्या है कि 2A जो है ना वो डायनेमिक है। अच्छा, इसको डायनेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट इसको फ्रिज नहीं कर पाता। सप्लायर कभी भी GSTR 1 में चढ़ाएगा उसी मंथ का जो डेटा है वो बार बार चेंज होता जाएगा। जैसे अप्रैल का GSTR 1, अप्रैल का कोई इनवॉइस है वो कभी भी चढ़ाए, बार बार जो 2A है वो चेंज होगा अप्रैल का, वो डायनेमिक है। लेकिन 2B में क्या होता है दोस्तों, 2B के अंदर क्या होता है, यहां पर स्टैटिक हो जाता है डेटा, एक बार जो चढ़ा दिया वो चेंज नहीं होता और वो उस पर्टिकुलर मंथ के 2B में दिखता है। अच्छा, आपको याद होगा एक रूल आया था 36(4), वहां पर क्या लिखा हुआ था कि भाई किसी भी मंथ में अगर इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं सप्लायर के द्वारा, अगर इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं, इन दिस केस आप मैक्सिमम जो क्रेडिट ले सकते हो, पहले ये 20% था, फिर 10 हुआ, फिर अब 5% हो गया।
कि जितने बिल चढ़े हैं उसकी ड्यूटी के 5% तक ही आप यहां पर देख सकते हो। जो इनवाइस अपलोड नहीं हुए हैं उनका क्रेडिट आप 5% तक ले सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा बेटर 2B है, क्योंकि 2B में क्या होता है, डेटा फिक्स हो जाता है और 2B में आपको ज्यादा रिकंसिलेशन नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम 2A के बेस पर क्रेडिट बुक करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया कि आपको 2A के बेस पे लेना है या 2B के बेस पे लेना है, लेकिन दोस्तों ज्यादा बेटर 2B है। 2B क्यों बेस्ट है? बिकॉज 2B में जैसे ही डेटा सप्लायर चढ़ाएगा तो वो स्टैटिक हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आप जब क्रेडिट बुक करोगे तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। वहां पर आपको रूल 36(4) लगाना ईजी रहेगा, रिकंसिलेशन करना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। सो दैट इज बेटर कि आपको उसमें जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 2A और 2B। आई थिंक आपको 2A और 2B समझ में आया होगा, इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि 2B के अंदर डेटा कैसे रिफ्लेक्ट होता है और कब रिफ्लेक्ट होता है, कौन सी डेट को वो रिफ्लेक्ट होता है, ये बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो जुलाई का महीना है और मंथली पेमेंट सिस्टम, इट इज नॉट क्वार्टरली, मंथली पेमेंट है और मंथली ही रिटर्न है। तो अगर आप मंथली रिटर्न सिस्टम लोगे और पेमेंट भी आप मंथली करोगे, तो जैसे जुलाई की GSTR 1, जुलाई की जो GSTR 1 है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी अप टू 11th August, ये ड्यू डेट होती है, ये GSTR 1 की ड्यू डेट होती है दोस्तों, कि आपको 11 तारीख तक GSTR 1 अपलोड करना है। तो दोस्तों वो 2B में कब व्यू होगा, 11 तारीख के जस्ट बाद, 12 अगस्त को, 12th August को वो 2B में व्यू हो जाएगा, वो रेसिपिएंट को 2B में 12 अगस्त को व्यू हो जाएगा। तो जुलाई मंथ का अगर कोई भी इनवॉइस आप अपलोड करोगे GSTR 1 में एज ए सप्लायर, तो अगर आप उसको 11th अगस्त तक कर दोगे तो वो सामने वाले को 12 अगस्त को व्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी जुलाई मंथ का इनवॉइस अगर आपने 11 तारीख के बाद, 11th अगस्त के बाद 12 तारीख से लेकर और 12 अगस्त से लेकर अगर आपने उसको 11th September तक दिया, 12 अगस्त के बाद 11 सितंबर तक दिया, तो ये तो आपको 12 अगस्त को व्यू हो गया, तो ये भाई साहब आपको 12 सितंबर को व्यू होगा। जुलाई मंथ का अगर इनवॉइस आप 11 अगस्त के बाद अपलोड करोगे, अगर आप उसको 11 अगस्त के बाद अपलोड करोगे तो वो सामने वाले को 12 सितंबर को व्यू होगा, 12 सितंबर को व्यू होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसी जुलाई मंथ का इनवॉइस अगर आप 12th September से लेके 11 अक्टूबर तक सबमिट करोगे तो वो 12 अक्टूबर को उसे सामने वाले को व्यू होगा 2B में। तो कहने का मतलब ये है कि 2B के अंदर सप्लायर जब भी डेटा सबमिट करता है तो जो पीरियड ऑफ फाइलिंग, कौन से महीने का बिल है उससे मतलब नहीं है। 2A में तो जिस महीने का बिल होता है वहां की 2A में व्यू होता है, लेकिन 2B में क्या होता है दोस्तों, जिस महीने का बिल है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस मंथ में आपने फाइलिंग करी है उस मंथ के 2B में वो व्यू होगा। जैसे आप जुलाई वाला इनवाइस GSTR 1 अगर 12 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में करोगे तो वो 12th October की 2B में व्यू होगा, अगर आप उसको 12 अगस्त से 11 सितंबर तक करोगे तो वो 12th September को व्यू होगा, अगर आप उसको अप टू 11th August कर दोगे तो 12 अगस्त को ही व्यू हो जाएगा। तो यहां पर पीरियड ऑफ फाइलिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे क्या होता है, रेसिपिएंट को क्रेडिट लेने में इजी रहता है, उसको पता होता है कि भाई ये किसी पर्टिकुलर मंथ का था जो अब मुझे जाकर उसका क्रेडिट मिल रहा है, जबकि 2A में क्या होता है वो उसी मंथ में दिखता है, तो उस मंथ में जाकर रिकंसिलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, क्या यहाँ पर होना चाहिए। अब अगर मान लो दोस्तों कोई बंदा
मेरी इस बात को एक बार समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए मैं QRMP स्कीम की बात करूं, QRMP स्कीम, जैसे मान लो दोस्तों QRMP स्कीम है। अच्छा, QRMP स्कीम आप बहुत अच्छे से जानते हो। QRMP स्कीम में क्या होता है, रिटर्न क्वार्टरली जाती है लेकिन पेमेंट मंथली होता है। रिटर्न क्वार्टरली जाती है लेकिन पेमेंट मंथली होता है। तो जैसे मान लो हमारा एक क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, ये हमारा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये जो जुलाई अगस्त और सितंबर है, जुलाई अगस्त और सितंबर जो है, इसमें मान लो जुलाई वाला मंथ है। अब उसका कोई इनवॉइस है तो आपको पता है QRMP स्कीम में आप IFF फैसिलिटी होती है आपके पास, IFF फैसिलिटी। तो आपको पता है जुलाई का जो मंथ का इनवॉइस है वो आपको IFF तक 13, अगर जुलाई है तो 13 अगस्त तक करना पड़ता है। दिस इज अ ड्यू डेट, ये मैंने आपको पढ़ाई थी जब हम लोग QRMP स्कीम पढ़ रहे थे। तो वहां पर क्या होता है कि जुलाई मंथ का जो IFF होता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसको 13 अगस्त तक आपको सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आप उसको 13 अगस्त तक सबमिट कर दोगे तो वो आपको जो सामने रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट उसको कब व्यू हो जाएगा भाई, 14 अगस्त को व्यू हो जाएगा, 14th of August को व्यू हो जाएगा। ठीक है, वो 14th of August को व्यू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी जुलाई मंथ का अगर इनवॉइस है और आप उसको 14 अगस्त को सबमिट करते हो अप टू 13 सितंबर, 14 अगस्त से लेके अगर आप उसको 13 सितंबर तक सबमिट करोगे जुलाई मंथ वाले को, तो क्या आप IFF में फर्निश कर सकते हो? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि IFF जिस महीने का होता है ना उसी महीने की ड्यू डेट तक आपको सबमिट करना पड़ता है। क्या आप उसको 13 अगस्त के बाद कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते आप उसको। तो यहां पर वो 2B में व्यू ही नहीं होगा क्योंकि आप उसको सबमिट नहीं कर सकते ना, तो व्यू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जुलाई मंथ है और आपकी QRMP स्कीम है, तो जुलाई मंथ का जो भी डेटा है वो आपको सबमिट करना है, ड्यू डेट रहेगी उसकी 13 अगस्त। अच्छा, इसमें जो पहला महीना होता है, पहला महीना क्वार्टर का पहला महीना, उसके लिए IFF फर्निश करना पड़ता है 13 अगस्त तक। और वो आपको 2B में कब व्यू होगा? वो 2B में व्यू होगा आपको 14 अगस्त को। ठीक है, ऐसे ही मान लो जुलाई के बाद अगस्त का जो महीना है, सेकेंड मंथ ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, उसमें ड्यू डेट है मान लो आपकी अगस्त की 13 सितंबर, आपको 13 सितंबर तक IFF फर्निश करना है IFF, तो वो 2B में कब व्यू होता है? वो आपको 14 अगस्त को व्यू होता है, वो 14 अगस्त को व्यू होता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर सितंबर मंथ है, अच्छा सितंबर मंथ में तो IFF फर्निश ही नहीं करना पड़ता, बताया था, उसमें तो फिर GSTR 1 फर्निश होंगी। अच्छा, उसकी ड्यू डेट यहां पर क्या रहेगी? हाँ, सेप्टेम्बर की 13th October, तो वो 2B में कब व्यू होगा? 14th of October को व्यू होगा। तो अगर जुलाई या अगस्त का कोई IFF फर्निश होने से रह गया है तो उसको सितंबर का जो GSTR 1 है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, सितंबर के जब GSTR 1 में दिखाओगे तो वो सामने वाले को 14 अक्टूबर को व्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जुलाई का कोई IFF था, तो जुलाई का IFF आप जब फर्निश करोगे तो उसको आपको अप टू 30th October तक फर्निश करना है, जब जाकर वो 14 अक्टूबर को दिखेगा, जब जाकर वो 14 अक्टूबर तक आपको दिखेगा। तो बोलो भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये देखो, यहाँ पर आपको समझाया भी है, ये देखो समझाया भी है। फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सेप्टेम्बर फॉर्म GSTR 2B फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपियंट Who has received supplies from QRMP suppliers as well as from other suppliers will be generated as follows। जैसे जुलाई वाला महीना है, जुलाई वाला,
तो उसका 2B कब जनरेट होगा? 14 अगस्त को। जैसे अगस्त वाला महीना है तो उसका 14 सितंबर को, सितंबर वाला महीना है तो 14 अक्टूबर को, ऐसे 2B जनरेट होता है। ऐसे भाई साहब आपका 2B जो है वो जनरेट होता है। तो आई थिंक दोस्तों, आशा करता हूँ कि 2A और 2B समझ में आया होगा। 2A को हम डायनेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बार बार चेंज होता है, सामने वाला सप्लायर जब भी बदलेगा वो चेंज ही दिखेगा रेसिपिएंट को। 2B स्टैटिक होता है कि एक बार जो चढ़ा दिया बस फिर वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, ज़्यादा बेस्ट जो तरीका है ITC लेने का वो 2B के बेस पे लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रिकंसिलेशन नहीं करना पड़ता। तो बाकी तो भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज काफ़ी टफ दे रखी है तो मैंने उसको ईजी बनाने की कोशिश की है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें मैंने कवर कर ली है मेरे एग्जाम्पल्स में। चलो, अब ये GSTR 3B क्या होती है? GSTR 3B भाई साहब रिटर्न होती है एवरी पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और NRTP और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। इंटर वालों के ये तीनों ही नहीं है, फाइनल वालों के तो है। तो ISD को छोड़ दो, NRTP को छोड़ दो, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को छोड़ दो, TDS और TCS या जो ODIR सप्लायर होते हैं उनको छोड़ दो, 3B रिटर्न फर्निश करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, ड्यू डेट क्या होगी भाई साहब? सुनो, वैसे तो ड्यू डेट पता है आपको 20 तारीख होती है, जैसे अप्रैल मंथ है तो उसकी 20 मई होगी, मई वाले की 20 जून होगी, जून वाले की 20 जुलाई होगी। लेकिन दोस्तों जो लोग QRMP स्कीम लेते हैं, QRMP स्कीम, उनके लिए ड्यू डेट क्या होगी, ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट है जो आपको समझना है। क्यों? क्योंकि QRMP स्कीम अगर आप अडॉप्ट करोगे तो आपकी जो रिटर्न जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी, क्योंकि QRMP का फुल फॉर्म ही क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो यहाँ पर जो रिटर्न की ड्यू डेट है वो क्या रहेगी, सुनो, ड्यू डेट क्या रहेगी, तो क्वार्टरली GSTR 3B फाइल होती है ऑन और बिफोर 22 और 24 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जैसे मान लो अप्रैल, मई और जून, तो इसकी ड्यू डेट रहेगी 22 या 24 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 और 24 अक्टूबर, ये ड्यू डेट रहती है, ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट जो आप निकालते हो, अच्छा, नॉर्मल जो अदर टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए मंथली सिस्टम होता है, तो ये तो आप पहले भी पढ़े हुए हो कि मंथली वाले में अप्रैल का 20 मई होता है ड्यू डेट, मई वाले का 20 जून होता है, जून वाले का 20 जुलाई होता है, ये तो आप पहले भी पढ़े हुए हो। अब इसके अंदर 22 किसके लिए देखना है QRMP में और 24 किसके लिए देखना है? तो अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में है, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद, अगले महीने की 22 तारीख होगी। और अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो 24 तारीख होगी। अब आप कहोगे सर ये राज्यों के नाम याद करने हैं, मेरे हिसाब से एज सच कोई नीड नहीं है, इस हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 3B की जो ड्यू डेट होती है हर महीने के एंड से अगले महीने की 20 तारीख होती है। लेकिन जो लोग QRMP स्कीम अडॉप्ट करते हैं, QRMP, उनके लिए ड्यू डेट क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन कि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन से स्टेट में है, उसके अकॉर्डिंगली फर्क पड़ेगा, या तो 22 होगी क्वार्टर खत्म होने के बाद या 24 होगी। इसके अलावा दोस्तों, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न शेल डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, जो भी उसको पे करना है, बाई डेबिटिंग दी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। ये तो खैर पता ही है, इसमें कोई नई चीज़ आपके पास नहीं है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम शेल पे द टैक्स। QRMP में टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट क्या होती है, फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर बाई डिपोजिटिंग द सेड अमाउंट इन द फॉर्म GST PMT 06 बाई 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। जैसे आपने QRMP स्कीम ली और अप्रैल, मई, जून वाला क्वार्टर है, तो अप्रैल की तो रहेगी 25 मई, मई की रहेगी 25 जून, मई की 25 जून रहेगी, अप्रैल की 25 मई रहेगी।
अच्छा मई के बाद में फिर जून वाले मंथ की तो आपको पता ही है, या तो 22 होगी या 24 होगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ 3B फाइल होगा, और दोस्तों जब 3B फाइल होता है तो 3B की डेट ही पेमेंट की डेट होती है। अच्छा अप्रैल और मंथ में इन्होंने 25 तारीख दे दी, लेकिन जून का जब आप रिटर्न फाइल करोगे, क्योंकि रिटर्न तो जून में जाएगी क्वार्टर खत्म होने के बाद, तो जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है ना दोस्तों, वो रिटर्न की ड्यू डेट ही पेमेंट की ड्यू डेट मानी जाती है। अच्छा पेमेंट जो होता है उसका चालान आपको पता ही है, PMT 06 होता है, इसमें टैक्स जमा होता है। फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, जो पहला महीना होगा क्वार्टर का, उसमें टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। फॉर द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन कैश लेजर एक्सक्लूडिंग द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट मंथ। तो पहले मंथ में आप कैश लेजर का बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप दूसरे मंथ का, क्वार्टर का जो दूसरा महीना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मई का अगर टैक्स जमा कराओगे, तो आपका जो अप्रैल वाला अमाउंट ड्यू था उसके बाद बैलेंस अमाउंट ही आप यूज कर सकते हो, तो ये कोई खैर खास बड़ी बात नहीं है। द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द सेड क्वार्टर इन GSTR 3B, द अमाउंट डिपोजिटेड बाई द पर्सन इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर शैल बी डेबिटेड। तो जब आप अप्रैल में, जून में, जून का रिटर्न फाइल करोगे, क्योंकि 3B तो जून के बाद जाएगा, तो अप्रैल और मई में आपने जो टैक्स जमा कराया है, अप्रैल और मई में जो आपने टैक्स जमा कराया है, वो आपका डेबिट होगा कैश लेजर में से, या जो भी क्रेडिट लेजर है उसमें से डेबिट होगा। तो मंथली पेमेंट होता है टैक्स का, QRMP का मतलब यही है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। पहले और दूसरा महीना, हर क्वार्टर का पहला और दूसरा महीने का ड्यू डेट रहेगा 25 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अच्छा यहाँ टैक्स जमा कराने के भी दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो होता है फिक्स सम मेथड, और एक होता है दोस्तों सेल्फ असेसमेंट मेथड। जब आप QRMP स्कीम में टैक्स जमा कराते हो, तो एक तो होता है फिक्स सम मेथड और एक होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब ये फिक्स सम मेथड क्या है, अगर टैक्स पेयर इस ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा तो चालान अमाउंट कैलकुलेट करा जाएगा बाई द सिस्टम एंड इट कैन नॉट बी एडिटेड। द अमाउंट इज इक्वल टू 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश। आपको कैश में 35% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। फॉर द प्रिसीडिंग क्वार्टर वेयर रिटर्न वॉज फर्निश क्वार्टरली। अब जैसे अप्रैल है, मई है और जून है, तो अप्रैल मई जून में जैसे आप अप्रैल का टैक्स जमा कराओगे, तो जो पिछला क्वार्टर है उस पिछले क्वार्टर में आपका कितना टैक्स गया था, उसका 35% आपको कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी इन कैश फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएट प्रिसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वॉज फर्निश मंथली। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन केस लास्ट रिटर्न फाइल वॉज ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडेड, सपोज करो आपने टैक्स पे किया था जनवरी फरवरी मार्च में, CGST SGST IGST और सेस, ये आपने कैश में पे किया था, तो आप अप्रैल से लेके मई के बीच में अगर फिक्स सम मेथड फॉलो करोगे, तो फिक्स सम मेथड में आपको कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा। टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन केस ऑफ द मंथ अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई में आपको कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो 35% आपको ईच ऑफ द मंथ, मतलब अप्रैल में भी और मई में भी, तो 100 का 35% 35 आया, 35 अप्रैल में जमा कराना है, 35 मई में जमा कराना है। 100 SGST था तो उसका भी 35% अप्रैल में, 35% मई में, ऐसे 500 का 35% 175 175 दोनों महीनों में। सेस भी आपको जमा कराना पड़ेगा 35%। लेकिन जब आप रिटर्न भरोगे लास्ट, जब आप रिटर्न भरोगे इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वॉज मंथली, लेकिन मान लो जो पिछली रिटर्न गई थी वो क्वार्टरली की जगह मंथली चली गई थी, तो भाई साहब अगर मंथली रिटर्न गई है और अब आप QRMP स्कीम में अगर फिक्स सम मेथड ले रहे हो, जैसे आपने मार्च की रिटर्न भरी थी, आपका पिछला रिटर्न पीरियड क्वार्टर की जगह मंथ था, तो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ, तो फिर आप अप्रैल और मई के अंदर 50 ही जमा कराओगे, अप्रैल का भी 50, मई का भी 50। ये एक एस्टिमेटेड बेसिस है, फिक्स सम जो मेथड है वो एक एस्टिमेटेड मेथड है दोस्तों। जैसे ये 50 है, तो अभी आपको अप्रैल और मई का 50 50 जमा कराना है, IGST आपको 80 80 जमा कराना है। ठीक है, तो
तो ये एक मतलब यूं समझ लो कि फॉरकास्टिंग है कि पिछले क्वार्टर या पिछला जो मंथ है उसके बेस पे आप जमा कराओ। क्वार्टर है तो 35-35% कराओ, और अगर मंथ है तो पूरा 100% जमा कराओ। यही इसमें यहाँ पर लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, यही लॉ के अंदर आपको मैंशनड है, ठीक है। ये तो हो गया फिक्स सम मेथड। हावेवर नो सच अमाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिटर्न तो बाद में जाएगी, तो हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी पहले महीने की और दूसरे महीने की ऐसे ही निकालेंगे। वेयर द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर द लाइबिलिटी फॉर द सेड मंथ और वेयर देयर इज निल टैक्स लाइबिलिटी। आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना है अगर ऑलरेडी आपके कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस है, ठीक है। ऐसे सेकेंड मंथ में भी कोई जमा नहीं कराना है, बस इतना बैलेंस होना चाहिए लाइबिलिटी पे करने जितना। अच्छा फाइनल जो टैक्स जमा कराओगे वो तो आप लास्ट में जमा कराओगे, ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है? इसके अंदर असेसी खुद अपनी जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, कि जैसे उसने उसकी मान लो अप्रैल में और मई में जितनी भी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई है उसके बेस पर वो सेल्फ असेसमेंट करके भी जमा करा सकता है। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ लेकिन जब आप दो महीने की रिटर्न भर दोगे, दो महीने का जब आप टैक्स जमा करा दोगे, क्योंकि आपकी QRMP स्कीम है, अप्रैल का टैक्स आपने जमा करा दिया, मई का जमा करा दिया, तो फाइनली क्वार्टर जब खत्म होगा अप्रैल मई जून में आपका क्वार्टर खत्म होगा, तो जैसे ही दोस्तों जून में क्वार्टर खत्म होगा अब आपका फाइनल टैक्स जमा होगा, क्योंकि रिटर्न तो 3B अब फाइल होगी। तो इसमें क्या करेंगे कि आपने जैसे अप्रैल में और मई में जितना टैक्स जमा कराया है, ठीक है, आपने अप्रैल में और मई में टैक्स जमा कराया मान लो 50-50 आपने 100 जमा कराया, अब आपका अप्रैल मई और जून का मिलाकर मान लो 120 बनता है, तो आप 20 और जमा करा दो, ठीक है, अप्रैल मई जून का फाइनल पता चल गया 120, तो 20 और जमा करा दो। लेकिन अगर आपका अप्रैल मई और जून का मिलाकर 80 ही बनता है, आपने तो एस्टिमेटेड 100 करा दिया था, तो 20 का आपको रिफंड मिल जाएगा। QRMP स्कीम में क्या होता है कि अप्रैल मई में एक बार आप जमा करा दो फिक्स बेसिस पर, और फिर अप्रैल मई जून का जब फाइनल डेटा आ जाएगा और जून में रिटर्न फाइल होगी 3B में, तब हम आपका टैक्स देख लेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा बन रहा है तो और जमा करा दो, कम बन रहा है तो फिर आप रिफंड ले लो। यही बात दोस्तों इसमें लिखी गई है, ठीक है, और रिफंड क्लेम परमिटेड ओनली आफ्टर रिटर्न इन फॉर्म 3B हैज बीन फर्निश। रिटर्न क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आप 3B फर्निश कर दोगे, ठीक है, 3B फर्निश करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों इसमें इंटरेस्ट भी लगता है अगर आप जमा नहीं कराते हो फिक्स थंब मेथड में, आपको इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस टैक्स इज ड्यू पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाई डिपोजिटिंग ऑटो कैलकुलेट फिक्स सम अमाउंट। अगर आप फिक्स सम अमाउंट पे कर दोगे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है, अगर आपने 35-35% या अगर मंथली था तो 100% अगर जमा कराया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेल्फ असेसमेंट सिस्टम लगाया, सेल्फ असेसमेंट, और उसमें अगर आपका टैक्स बाद में ज़्यादा बना तो हम आपसे ब्याज भी लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक रजिस्टर्ड पर्सन है हु हैज़ ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम, उसने 100 रुपये इन कैश जमा कराया, 100 रुपये इन कैश एज टैक्स लाइबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो उसका पिछला क्वार्टर था उसमें 100 रुपये उसका कैश टैक्स लाइबिलिटी जमा कराया। ही ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फिक्स सम मैथड, और उसने जनवरी फरवरी मार्च में फिक्स सम मैथड अपनाया, तो बताओ कितना कितना जमा कराएगा। क्वार्टरली है तो 35% जमा कराएगा। जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी की ड्यू डेट आएगी 25 फरवरी को 35 रुपये, फरवरी की ड्यू डेट आएगी 25 मार्च को तो उसके लिए भी 35 रुपये। तो आपने 2 महीने का जमा करा दिया, ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप फिक्स सम मेथड अपनाओगे तो आपको नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ असेसमेंट सिस्टम लगाते हो, आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई के बेस पर कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने आपका सेल्फ असेसमेंट सिस्टम में जनवरी का 40 बना, फरवरी का 42 बना, 40 बना और 42 बना, हावेवर नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल। नहीं, कहने का मतलब ये है कि एक बार तो आपने फिक्स सम मेथड पे जमा करा दिया, लेकिन बाद में जब फाइनल रिटर्न का डेटा जाता है तब पता चला कि यार जनवरी का टैक्स तो 40 बनता था और फरवरी का 42 बनता था,
तो इसका मतलब अगर आपने जनवरी का 35 जमा कराया है तो आपने 5 रुपया कम जमा कराया है, 40 माइनस 35। और अगर मान लो फरवरी का 42 बनता है, फरवरी का 42 बनता है जबकि आपने जमा 35 कराया था, तो 7 कम जमा कराया। लेकिन ये जो 5 रुपये और 7 रुपये आपने कम जमा कराए हैं लेकिन आपका फिक्स सम बेसिस था, तो इसमें लिख रहा है कि हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बशर्ते कि आप लास्ट मंथ का जो क्वार्टर ख़त्म होएगा, जनवरी फरवरी मार्च वाला जब क्वार्टर ख़त्म होगा, तो मार्च की जो 2B है, मार्च की जो 3B है सॉरी, रिटर्न जो होती है उसे आप ड्यू डेट तक जमा करा दो, उसको आप ड्यू डेट तक जमा करा दो, हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे, हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। अब अगर मान लो मेरा फिक्स सम मेथड की जगह सेल्फ असेसमेंट मेथड होता और मैं QRMP स्कीम के अंदर मान लो मेरा 100 रुपीज कैश जमा हुआ था पिछले क्वार्टर में अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है, ही ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड। चलो एक बार फिर से एग्जांपल फिक्स सम मेथड का ही लेते हैं। उसने 35 रुपये जमा करा दिए 25 फरवरी और 25 मार्च को, लेकिन इन द रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट टोटल लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर नेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट वॉज 125, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 30 अप्रैल। लेकिन मान लो उसने 3B लेट कर दी, 3B लेट कर दी भाई, तो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल ऑन द रेट ऑफ 55। तो 70 जो जमा करा दिया वो तो माइनस करेंगे, लेकिन जो 125 और 70 का डिफरेंस है 55 रुपया, उस पर इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आपने 3B टाइम से फाइल नहीं की। तो फिक्स सम मेथड में आपका जनवरी फरवरी का टैक्स अगर फिक्स सम जमा हुआ है और मार्च खत्म होते ही आप 3B टाइम पर फाइल कर दोगे तो कोई ब्याज नहीं है, लेकिन अगर आप मार्च का 3B टाइम से फाइल नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो जो GSTR 3B की ड्यू डेट है। अब ड्यू डेट क्या होती है पता है आपको, या तो 22 होती है या 24 होती है, कुछ राज्यों में 22 है कुछ में 24 है। तो 22 अप्रैल और 24 अप्रैल मार्च की, तो 22 से 30 अप्रैल लगेगा या 24 से 30 अप्रैल तक लगेगा, ऐसे आपको दोस्तों इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट की रेट वही है जो सेक्शन 50 में बताई गई है, वही 18% रेट, याद है आपको सेक्शन 50 पढ़ा हुआ है आपका इंटरेस्ट का। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर लेट फीस भी लगती है, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे या लेट जमा कराओगे तो यहाँ लेट फीस भी लगती है, लेकिन लेट फीस कब नहीं लगेगी, जब आप पेमेंट में डिले करोगे। पहले 2 महीने का अगर पेमेंट डिले हुआ है, पहले जो 2 महीने होते हैं क्वार्टर के QRMP स्कीम में, तो अगर आपने टैक्स लेट जमा कराया है तो लेट फीस नहीं है, उस पर कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन अगर आपने रिटर्न टाइम से जमा नहीं कराई, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल टाइम से नहीं भरा, तो आपको लेट फीस भी देना पड़ेगा। ये दोस्तों GSTR 1 का ड्यू डेट यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। क्या एक्सटेंड किया गया है, देखो GSTR 1 का ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया है जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है इन द प्रेसिडिंग ईयर और करंट ईयर, टू 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द एंड ऑफ द क्वार्टर, सच डेट वॉज टू बी एप्लीकेबल फॉर द क्वार्टर एंडेड December 20 और March 21। ठीक है, December 20 और March 21, कोविड समय में ये 13 तारीख कर दी गई थी ड्यू डेट अप टू 1.5 करोड़ वालों की, और जिनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उनकी अक्टूबर 20 से लेकर और मार्च 21 तक 11 तारीख कर दी गई थी सक्सीडिंग सच मंथ, हर महीने के एंड से 11 तारीख कर दी गई थी। ठीक है, तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 फॉर्म, तो 1/1/2021 से 1/1/2021 से व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई, तो जो लोग QRMP स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं, QRMP स्कीम, उनके लिए तो बेसिकली जो GSTR 1 का ड्यू डेट रहेगा, जो QRMP स्कीम को अडॉप्ट करते हैं उनके लिए GSTR 1 का जो टाइम लिमिट रहेगा वो 30th रहेगा ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। अच्छा, टैक्स पीरियड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ क्वार्टर है, जैसे अप्रैल में जून का 13 जुलाई रहेगा, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर का 13 अक्टूबर रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 13 जनवरी रहेगा। अच्छा, अदर्स के केस में जो QRMP स्कीम नहीं लेते हैं,
उनके लिए 11 तारीख ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। अच्छा, उनका पीरियड जैसे मंथली है, जैसे अप्रैल का है, तो अप्रैल का जीएसटी आर बन जाएगा 11 मई, मई का 11 जून, जून का 11 जुलाई, ऐसे जाता है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों आपको रिटर्न वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, यहाँ पर हमारा जो रिफंड वाला चैप्टर है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है रिफंड वाले चैप्टर में, कि जो लोग डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई उसको बोलते हैं जो गुड्स आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, वो तो एक्चुअल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जो माल आप इंडिया में किसी पर्सन को बेचते हो और वो पर्सन अगर उस गुड्स को इंडिया के बाहर सप्लाई करेगा, तो आपने जो गुड्स इंडिया में बेचा है, जैसे सपोज करो मिस्टर ए भी इंडिया में है और मिस्टर बी भी इंडिया है, तो ए ने अपना सप्लाई बी को किया और बी उस गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगा, तो बी ने तो एक्चुअल एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन ए ने जो बी को इंडिया में सप्लाई किया है दैट इज कॉल्ड डीम्ड एक्सपोर्ट। अब यहां पर लॉ ने यह लिखा है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई इन अवेलिंग आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई। तो कहने का मतलब यह है कि जो बंदा मिस्टर ए है वो बी को डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिस्टर ए ने यह सप्लाई जब किसी से ली होगी, इनवर्ड सप्लाई जब उसने की होगी, तो उसका आईटीसी मिस्टर ए को लेने के लिए मना नहीं किया गया है। ये बोला गया है कि मिस्टर ए उसको ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर एक पॉइंट नंबर टू आपको बताया गया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। यहां पर आपको जो है एडजस्टेड जो टोटल टर्नओवर है उसके बारे में बताया गया है। ये एडजस्टेड जो टोटल टर्नओवर होता है, ये इसका डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। दोस्तों मैं आपको रिफंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, इन दोनों का टोटल लेकर हम नीचे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर करते हैं, इनटू नेट आईटीसी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आप टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यूज करते हो, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर एक बात बोली गई है कि आप जितने में एक्चुअल एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, बल्कि हमें मतलब इस बात से है कि आपने जो गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया है, आपने जो गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया है, अगर वैसा ही माल आप इंडिया में बेचते, अगर वैसा ही माल आप इंडिया में बेचते तो उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स कर दो, उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स कर दो, और जो एक्चुअल एक्सपोर्ट प्राइस है वो ले लो, विच एवर इज लेस, उसे हम जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू मानेंगे। अब देखो मैं आपको ये बात एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा तो बात बहुत जल्दी से समझ में आएगी। सपोज करो दोस्तों एक बंदा है, वो सप्लायर है और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है वन टाइप ऑफ गुड्स एंड इज सप्लाइंग द सेम गुड्स इन बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज मार्केट। एक बंदा सेम गुड्स को सप्लाई करता है और वो डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई करता है और वो एज वेल एज ओवरसीज मार्केट में भी सेम गुड्स को सप्लाई करता है। ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड ऑफ रिफंड द डिटेल्स ऑफ हिज इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इज गिवन। जैसे नेट आईटीसी यहां पर 270 रुपया है, 270 है, यहां पर जो आउटवर्ड सप्लाई हुई है, अगर लोकल क्वांटिटी की बात करें तो 5-200 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए प्राइस होती है, और अगर हम एक्सपोर्ट क्वांटिटी की बात करें तो हमने वही माल सेम गुड्स 350 5 यूनिट का हमने 1750 में एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जब हम टर्नओवर की डेफिनेशन लेंगे एज पर द अमेंडमेंट प्रोविजंस, तो हम यहां पर 1750 नहीं लेंगे, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि सेम गुड्स अगर आपने इंडिया में बेचा है तो उसकी प्राइस 200 रुपया है, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और आप उसका डेढ़ गुना ले लो। जब हम उसका डेढ़ गुना लेते हैं तो 1500 है, तो बताओ जीरो रेटेड जो सप्लाई हुई है हमारी, हम उसका प्राइस 1750 लेंगे या 1500 लेंगे? जल्दी से बताओ, हम यहाँ पर 1750 लेंगे या हम उसको 1500 लेंगे? तो दोस्तों एज पर द अमेंडमेंट प्रोविजंस, एज पर द अमेंडेड प्रोविजंस, हम उसको 1500 लेंगे। तो ये जो 1000 और 1500 है, इन दोनों को मिलाकर हमारी जो प्राइस है वो यहाँ पर 2500 निकल कर आएगी, 2500 रुपए निकल कर आएगी। तो लॉ ये कह रहा है कि भाई जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे,
तो यहां पर आपको जब टोटल टर्नओवर लेना पड़ेगा, ये देखो यहां पर आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 1500 लोगे, ठीक है, तो नीचे जब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लोगे, जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लोगे उसमें भी एक्सपोर्ट की वैल्यू 1500 ही लेनी है आपको, और वो तो 1000 लेनी ही है, मतलब नीचे 2500 आएगा। तो कहने का मतलब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी वही अमेंडेड जो प्रोविजन है 1.5 टाइम्स वो लेने हैं, और जब आप ऊपर फॉर्मूले में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लेते हो तो वहां पर भी आपको सेम थिंग यहां पर लेकर चलनी है, और यही बात आपको इलस्ट्रेशन के अंदर बताई गई है, ठीक है। तो जैसे हमारा नेट आईटीसी 270 रुपया है, तो 270 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2500, तो हमारा रिफंड अमाउंट जो है 162 यहां पर निकल कर आएगा। तो ये हमारे पूरे जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, जैसे लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम वाले चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर एक रूल नंबर 3 में डेफिनेशंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैपिटल गुड्स को डिफाइन किया गया है कि जिसकी वैल्यू बुक्स में हम कैपिटलाइज करते हैं। जॉब वर्क के बारे में बताया है, तो ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 6 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ये कौन से रूल्स हैं? ये कस्टम रूल्स 2017 है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, ये उसके रूल है माई डियर फ्रेंड्स। ये जो रूल अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये उसी चीज के रूल हैं भाई। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है रूल नंबर 4 एंड 6, रूल 4 एंड 6 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। द फॉलोइंग रूल हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। रूल नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया था कि इम्पोर्टर टू गिव प्रायर इन्फॉर्मेशन, कि जब भी आप गुड्स इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट करते हो, जिसको आप इंडिया में कंसेशनल जो रेट ऑफ ड्यूटी है, कंसेशनल जो है उसको यूज करोगे, तो इसके लिए आपको रूल नंबर 4 में इंपोर्टर को पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन, दैट इज गिवन इन रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जो इंपोर्टर होगा, इंपोर्टर टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स। रूल नंबर 6 आपको ये कहता है कि जो इंपोर्टर होता है उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और जो भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करना पड़ता है, जो भी रिकॉर्ड्स है वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 मैंने आपको पढ़ाए थे, इसमें एक नया रूल इंसर्ट कर दिया गया है, रूल नंबर 6A, और उसमें ये कहा गया है कि जो इंपोर्टेड गुड्स होता है, अगर आप उसको जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको लगाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इनको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करके जाओ, इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है ये। तो ये रूल नंबर 6 है जिसके अंदर जॉब वर्क का प्रोसीजर बताया है। हाँ, रूल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। रूल 7 में एक सब रूल 3 इंसर्ट किया गया है जिसमें ये लिखा है कि जो भी इंपोर्टर होता है, अगर वो किसी भी गुड्स को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके लाया है और अगर वो उसको इंडिया में यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड पर्पज, तो उसे पहले तो कंसेशनल रेट पर वो इंपोर्ट कर लेगा, कम रेट ऑफ ड्यूटी दे देगा, लेकिन बाद में वो गुड्स, जैसे कैपिटल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो उसको पर्टिकुलर पर्पज में काम लेगा। अगर वो उसको पर्टिकुलर पर्पज में काम नहीं लेगा, तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, जैसे सपोज करो कोई कैपिटल गुड 10% से इंपोर्ट होता है, आप उसको 6% पर इंपोर्ट करके लाए हो कंसेशनल रेट पर, तो आपको उसको स्पेसिफाइड पर्पज में काम लेना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि आप उसको बीच में दूसरे पर्पज में काम लेना लग जाओ, तो इसका मतलब आपको वहां डिफरेंस ड्यूटी देनी पड़ेगी 4%। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब ये डिफरेंस 4% आप दोगे तो क्या पूरी वैल्यू के ऊपर, जैसे सपोज करो 10 लाख का कैपिटल गुड्स था, तो क्या पूरे 10 लाख पर 4% लगना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स आपका डेप्रिशिएट हो चुका है। तो लॉ ने बोला कि अब उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू कैसे निकाले। चलो मान लेते हैं कि हमने उसको स्पेसिफाइड पर्पज के बाद दूसरे पर्पज में काम लेना शुरू कर दिया, तो सरकार हमसे यहाँ पर 4% मांगेगी। सरकार जो है वो हमारे से यहाँ पर 4% मांगेगी, जो डिफरेंस है वो 4% वो हमारे से मांगेगी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंस है हमारा 4%, ये जो हमारा डिफरेंस है ना भैया 4% का, ये हमको किस पर देना पड़ेगा? डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर। अच्छा, डेप्रिशिएट वैल्यू कैसे निकलती है? तो डेप्रिशिएट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा अमाउंट होगा, जो भी हमारा, जैसे सपोज करो 10 लाख रुपए हमारा कैपिटल गुड्स था, तो हमें उसमें पहले साल के जितने भी क्वार्टर है, अगर मान लो हमने उसको एक साल काम लिया
तो एवरी क्वार्टर हमें 4% रिड्यूस करना पड़ेगा। सपोज करो हमको एक साल काम लेते हुए हो चुका है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 × 4 16% हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज करो हमने दूसरे ईयर में भी काम लिया, तो दूसरे ईयर के हर क्वार्टर के लिए हमें 3% रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 4 क्वार्टर में हमें 12% रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे हमें उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके, सपोज करो हमारी वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद जैसे 16 और 12% अगर हम देखते हैं, तो ये दोनों मिलाकर जैसे हमने 2 साल काम ले लिया फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर पार्ट ऑफ द क्वार्टर है तो फुल क्वार्टर बनेगा, तो 16 और +12 मतलब 28% हो गया। तो 10 लाख में से हम 28% को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7.2 लाख आ जाएगा। तो हम इस 7.2 लाख पर जो डिफरेंस 4% है वो देंगे गवर्नमेंट को, हम 10 लाख पर 4% नहीं देंगे, हम यहाँ 7.2 पर 4% देंगे। तो ये एक नया यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, ठीक है भाई। बाकी तो इसमें कोई मुझे रेलिवेंट नहीं लगा है, एक थोड़ा छोटा सा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी वो वैसे तो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी, उसे सरकार ने 31 मार्च 21 से एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 31 मार्च 2021 के लिए थी, तो कोविड चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने अभी नई नई बनाई है, उसी पॉलिसी को 30/9/2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आपने जहां जहां पर भी नोट्स में 31 मार्च 2021 लिखा हुआ है उसको आप बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर लो। इसके अलावा एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम हो गई, ईपीसीजी हो गई, ईओयू और ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी स्कीम हो गई, तो इन सब में भी 31 मार्च 2021 का जो पीरियड है उसे बढ़ाकर भाई साहब 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है, उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है, 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है बढ़ाकर, राइट। तो ये जितनी भी स्कीम्स आप लोग लगाते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन की, इनमें जो डेट है 31 मार्च 21 उसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। MEIS रिप्लेस विद अ न्यू स्कीम, जो MEIS स्कीम आप पढ़ते थे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो स्कीम आप पढ़ते थे, उसे गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह एक नई स्कीम आ गई है RODTEP, इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो ये स्कीम जो है यहाँ पर चेंज कर दी गई है, बस एक यही चेंज हुआ है, बाकी और कोई चेंज नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल पर बने रहें दोस्तों। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं और ये अमेंडमेंट्स आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। तो दोस्तों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लगी अमेंडमेंट की, और आपको अभी और क्या नीड है मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए नए वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच।